गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। देखो भाई, आज हम पढ़ेंगे HCFL से 2023 में भी एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, आसान टॉपिक है और आप काफी सारी नई चीजें सीख के जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना चीजों को। जैसे तो मेरे ताऊ जी मुझे बताते थे कई बार कि क्लास में नॉर्मल जो क्लास होती है अपने स्कूल में, उसमें तीन तरह के बच्चे होते हैं। सबसे जो आगे बैठते हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, क्यों, पूरा फोकस रखते हैं, टीचर का भी ध्यान उन पे रहता है, उनका भी बोर्ड पे पूरा ध्यान रहता है ना। जो बीच वाले बच्चे होते हैं वो सोशल ज्यादा नहीं होते, जो सबसे आगे रहते हैं, बस वो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बीच वाले होते हैं वो सामाजिक ज्ञान भी रखते हैं, सोशल प्रॉब्लम पे ध्यान रखते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो IAS IPS बनते हैं। जो सबसे पीछे बैठते हैं या तो कुछ नहीं बनते या फिर नेता बनते। तो अब देख लो कौन सी कैटेगरी, बीच वाले। आगे बैठने से क्या होता है, टीचर का डायरेक्ट ध्यान रहता है आप पे, है ना। पीछे आप बैठे कुछ फोन पे चैटिंग करते रहो, कौन देख रहा है। देखो HCFL से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया, मोस्टली टाइम एक क्वेश्चन आपको मिलता ही रहेगा, है ना। छोटी सी बात है इसमें, मैं आपको कुछ कीवर्ड बताऊंगा, उससे आपको ये बड़े आराम से पता लग जाएगा कि कहां पे LCM यूज होना है, कहां पे HCF यूज होना है। जैसे आप कोई भी नंबर लोगे, नंबर लिया मैंने 14 लिया, है ना, 14 के मुझे फैक्टर बनाने, फैक्टर, तो आप कैसे करते हो, प्राइम नंबर आपको पता चली गया, सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड कर, है ना। फिर मैंने एक और नंबर लिया 35 को मैंने फिर फैक्टराइज किया फर्दर, तो ये हो गया 5 और 7। तो मेरे पास दो नंबर है, एक है 14, इसको मैं फैक्टराइज करके लिख सकता हूँ 2 × 7, और एक नंबर है मेरे पास 35, तो ये हो जाएगा 5 × 7। ठीक है, मैंने यहाँ पे 14 लिया, 14 के 2 फैक्टर है, 2 और 7, फैक्टर सबको पता चल गया क्या होता है, और 2 और 7 का मल्टीपल कौन है, 14, है ना, 14 मल्टीपल और 14 के ये फैक्टर। तो एक होता है कॉमन फैक्टर। अब जैसे ये दो नंबर है, ये फैक्टर है, इनमें आप देखोगे तो 7 क्या है यहाँ पे, कॉमन है और फैक्टर है, कॉमन फैक्टर हुआ। और क्या 7 से कोई ग्रेटर नंबर है जो कॉमन आता है, नहीं, 7 सबसे ग्रेटर नंबर है जो कॉमन आता है, तो 7 को मैं क्या बोल सकता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 7 क्या है यहाँ पे, कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, लेकिन ये सबसे बड़ा भी है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF क्या है यहाँ पे, 7, इसको हम बोलते हैं इसको हम GCD भी बोल देते हैं, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। ठीक है, HCF का मतलब क्या हुआ यहां पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये जो मेथड है, ऐसे आप फैक्टर करके जब आप कॉमन फैक्टर निकालते हो तो इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड। एक होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कैसे होता है कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से आप डिवाइड करते, 14 से आपने डिवाइड, है ना, 14 × 2 जा कितना हो जाएगा, 28 माइनस करना है 35 से 28 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, सही बात है। अब आप देखो इस 14 को इधर लेके आ, इधर ले आए, आप 14 को 7 से डिवाइड करोगे, 2 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, जिस नंबर पे कंप्लीट डिवाइड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सही बात है। सबसे आसान तरीका ये होता है, फैक्टर बनाओ, फैक्टर में से जो कॉमन फैक्टर आते हैं वो लिख दो, वो आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, और कई कई जगह HCF को क्या लिख देते हो आप, GCD भी लिख देते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, सही बात है। लिख लिया, एक एक बात समझ ली आपने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोई भी एग्जाम दोगे ना जरूर सवाल मिलता है इसका, है ना, बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी। देखो फिर चलो आगे, अब आप देखो HCF आपका कितना आया यहाँ पे,
सेवन नंबर क्या थे, ए मान लिया मैंने 14 और बी मैंने क्या मान लिया 35, सही बात है। अब आप देखो यहीं पे वापस अगर आओगे, ये आपको एलसीएम निकालना हो मान लिया लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, इन्हीं दो नंबरों को आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो यहां जब हमने एचसीएफ लिया है तो एचसीएफ में क्या कॉमन फैक्टर है और यहां पे क्या है कॉमन मल्टीपल है ना, मल्टीपल बड़ा नंबर होगा और फैक्टर छोटा नंबर होगा, इस बात का ध्यान रखना। जब मेरे पास दो नंबर है 14 और 35 मुझे क्या निकालना है एलसीएम, तो मेरे पास एक अच्छा तरीका क्या होता है, आगे भी कभी जैसे टाइम एंड वर्क में टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो ये जो मैं मेथड बता रहा हूं इसको यूज करना, जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसके सारे फैक्टर लिख दो, सबसे जो बड़ा नंबर होगा उसके सारे फैक्टर लिख दिए मैंने। फिर आप देखो दूसरे नंबर पे जाओ, जो कॉमन फैक्टर है उनको मत लिखो, जो फैक्टर आ चुके हैं उनको मत लिखो, सेवन आ चुका है मत लिखो, अब कौन बचा है टू, टू और लिखो, तो ये क्या हो गया 70, ये क्या आ गया आपका एलसीएम, ठीक है। एक तरीका तो एलसीएम का ही हो गया। एक तरीका क्या है दूसरा तरीका, कि एक लाइन में रखते हो आप है ना डिविजन मेथड, तो इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं टू और फाइव, तो एलसीएम यहां पे क्या हो जाएगा 7 × 2 × 5, ये क्या है प्राइम नंबर होने चाहिए आपके सारे है ना, टू फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, फाइव फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो 7, 2 और 5 क्या होगी इसके फैक्टर होगी, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एलसीएम कितना आएगा 70। तो एलसीएम निकालने के भी दो तरीके, सबसे आसान तरीका क्या है कि जो सबसे बड़ा नंबर हो ना उसके फैक्टर लिख लो, जो बाकी के नंबर बचे हुए हैं उनमें जो फैक्टर नहीं आया हुआ है वो आप लिख, सही बात है। तो यहां पे एक बात खास याद रखना कि एचसीएफ है ना, एचसीएफ क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर होगा वो एलसीएम में आ जाता है कि नहीं आ जाता है, यस और नो। अब आप तीन बातें मेरी ध्यान रखना, पहली बात तो ये है कि देखो जब हमने एलसीएम निकाला यहां पे 7 आ गया कि नहीं आया, कि ये एलसीएम है ना एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होगा ही होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है किसी क्वेश्चन में तो आप उसका आंसर लिखोगे कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता, एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड होगा, एलसीएम बड़ी नंबर होता है एचसीएफ छोटा नंबर होता है, एचसीएफ क्या होता है कॉमन फैक्टर और एलसीएम क्या होता है कॉमन मल्टीपल, लीस्ट और एचसीएफ हाईएस्ट है ना। देखो ये तीन बातें पहले सुन लेते अच्छा रहता, पहली बात है कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है, और जो दूसरी बात है यहां पे आप देखो दूसरी बात क्या है कि जब हमने कॉमन फैक्टर लिया ना, कॉमन फैक्टर कहां है, कॉमन फैक्टर यहां पे 7 आ गया, ये लिखा हुआ है ना, ये 7 इन दोनों नंबरों को डिवाइड करता है कि नहीं करता, ये मान लिया ए है ये मान लिया बी, 7 दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इनका फैक्टर है ऑब्वियस सी बात है। तो दूसरी बात क्या होगी कि जो नंबर है ना ए और बी ये किससे डिवाइड होते हैं भाई एचसीएफ से, ठीक है। एक और बात सुनना, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको एचसीएफ दिया होगा और ये नंबर गिवन नहीं होंगे ए और बी, ठीक है, आपने सपोज करने पड़ेंगे अपनी तरफ से, सपोज करना पड़ेगा कि लेट करो कि ए क्या है बी क्या है, तो वो क्या होंगे इस एचसीएफ के मल्टीपल होंगे, एचसीएफ के मल्टीपल होंगे, क्यों होंगे मल्टीपल, क्योंकि एचसीएफ क्या है इनका कॉमन फैक्टर है, तो जो भी नंबर होंगे वो इस एचसीएफ के क्या होंगे मल्टीपल होंगे। तो जैसे 7 है मुझे ये नंबर नहीं पता हो तो मैं ए को मान लूंगा 7x और बी को मान लूंगा 7y, क्लियर है। एचसीएफ एलसीएम के बहुत सारे क्वेश्चन में आपको एचसीएफ गिवन होगा और नंबर गिवन नहीं होंगे, आप जब नंबर को सपोज करोगे तो क्या करोगे एचसीएफ का मल्टीपल 7x 7y, या एचसीएफ 5 है तो 5x 5, क्लियर बात है। फिर आप यहीं से एक और बात देख लो, एलसीएम कितना आया आपका 70 है ना, एलसीएम 70 है और नंबर क्या आपके पास 14 और 35, तो जो आपका एलसीएम है ना एलसीएम किससे डिवाइड होता है, इन नंबरों से डिवाइड होता है, एलसीएम नंबरों से डिवाइड होता है, मेरी बात समझ आई।
मैंने तीन बातें बताई। पहली तो क्या बताई कि ये जो एलसीएम है एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड होगा। दूसरी बात क्या है कि जो नंबर है ना हमारे वो किससे डिवाइड होंगे एचसीएफ से। तीसरी बात क्या बताई कि जो एलसीएम है एलसीएम किससे डिवाइड होता है नंबरों से। यस और नो तीन बातें याद रह जाएंगी। इन तीन बातों से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं सीधे सीधे। क्लियर है कोई डाउट? तो ये आप लिख सकते हो। अब तीसरी बात क्या है कि जो एलसीएम है वो दो नंबर जो दिए होंगे उनसे डिवाइड होता है। ठीक है, अब आप एक और चीज देखो, एक और चीज कि आपके पास क्या है एलसीएम 70 और एचसीएफ क्या है 7। 7 इंटू 70 कितना होगा 490 और अपने पास पहला नंबर क्या है 14, दूसरा नंबर क्या है 35, है ना। 14 का और 35 का मल्टीप्लाई कर सकते हो? हाँ करना जरा। 14 + 42 420, 14 × 5 = 70, 420 और 70 490, ये भी तो 490 आ रहा, दोनों इक्वल हुए कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किन्हीं भी दो नंबरों का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। इससे क्वेश्चन बन जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। मैंने क्या बता दिया अब आपको एक बात कि किन्हीं भी दो नंबरों का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। सही बात है, किन्हीं भी दो नंबरों का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। क्लियर है, करके देखते हैं। अब देखो ये लिखना है तो लिख लो, ये वाला जो फार्मूला है ये डायरेक्ट सवाल पूछता है ये वाला। ठीक है, ये जो मैंने बताई इन बातें इनसे डायरेक्ट क्या है सवाल निकल जाते हैं, ऑप्शन में जाओगे और सीधा उत्तर आ जाए ये टेक्निक यूज करने से। अब जैसे कई सारे क्वेश्चन में आपको एचसीएफ दिया हुआ नंबर नहीं दिए हुए, तो मैंने क्या बताया कि जो नंबर है हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल होते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर वापिस आओगे, यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है 14 का मैंने टेबल लिया, 14, 28, 42, फिर 56, फिर 70 एंड सो। फिर मेरे पास एक नंबर है 35, 35 पर टेबल लिया मैंने 35, 70, 105 एंड सो ऑन। अब देखो ये 35 के मल्टीपल है और ये क्या है 14 के मल्टीपल है ना। आप देखो सबसे छोटा नंबर मल्टीपल जो कॉमन है, सबसे छोटा नंबर जो कॉमन है कौन है 70। अब देखो 70 तो 70 क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 70 क्या हो जाएगा इनका एलसीएम हो जाएगा। सही बात है, तो अब देखो यहां पे ये दो नंबर है, ये एचसीएफ है और ये एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 70। अब मैंने चार बातें बताई आपको, चारों प्रूव करके देखते हैं। पहली बात मैंने बताई कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होगा, 70/7 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। फिर मैंने दूसरी बात बताई कि एलसीएम हमेशा नंबरों से डिवाइड होगा, है ना। एलसीएम क्या है 70, किससे डिवाइड होता है 14 से होता है। फिर क्या है 70 35 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। फिर मैंने एक बात बताई कि जो नंबर है 14 7 से डिवाइड होता है, जो नंबर है वो हमेशा किससे डिवाइड होंगे भाई एचसीएफ से। नंबर ए और बी किससे डिवाइड होते हैं एचसीएफ से। सही बात है, तो यहां पे एक नंबर कौन है 70, किससे नंबर कौन है 14 किससे डिवाइड होता है हमारा 7 से। फिर एक नंबर क्या 35 किससे डिवाइड होता है 7 से। ठीक है, फिर मैंने एक बात बता दी आपको कि a इंटू बी बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ। सही बात, तो a क्या है 14, b क्या है 35, एलसीएम क्या है 70 और 7, दोनों इक्वल है कि नहीं, अभी मैंने करके बता दी। यस और नो, तो ये बातें है ना बेसिक चीजें, यहां से आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, कोई डाउट कर पाओगे लिख लो, इनको लिख लो। ये लिख लिया पहला पेज।
अब मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लूं तो बता पाओगे? आपने कल वाली क्लास में क्या करना है, कल हम शुरू करेंगे परसेंटेज, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज, किसमें काम आएगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में, एसआईसीआई में, टाइम एंड वर्क में, और आपका जो टाइम स्पीड डिस्टेंस, सब में काम आता है। तो कल वाली क्लास में जो आज पहली बार आए हैं वो एक काम करेंगे, 20 तक टेबल, स्केयर और क्यूब याद करके आए, ठीक है? कैलकुलेशन का बड़ा फंडा रहता है। मैं आपको और बहुत सारी चीजें सिखा सकता हूँ, लेकिन आपको एक तो दिक्कत क्या है, मैथ से डर लगता है बहुत सारे बच्चों को, है ना? मेरे को आप जब देखते होगे मैं कैलकुलेशन ज्यादातर बोर्ड पे दिमाग में नहीं कर लेता हूँ। तो क्या है, प्रैक्टिस का खेल है। जैसे मेरे से आप पूछो 31 का स्क्वायर में 2 सेकंड में बता दो, 41 का, 29 का, 39 का, कुछ भी पूछो, मैं कैलकुलेट करके बताऊं, मुझे याद, मेरी कैलकुलेशन उतनी अच्छी है, टेक्निक पता है मुझे, ठीक है, उनसे हो जाता हूं। अब बताइए 21 का स्क्वायर, बोला था ना मैंने कल याद करके आना, 21 का स्क्वायर बताओ, 141 या 441? 441। और 31 का, 41 नहीं पता, 51 नहीं पता। अब देखो ये लिख लिया ना, अब जैसे बता देता हूं मैं छोटी छोटी बातें, जैसे 11 का स्केयर आपको करना है, बता पाओगे कितना होता है? आपको अगर नहीं भी पता ना तब भी आप निकाल सकते हो, बस आपको दिमाग में ऐड करना आना चाहिए। ये क्या है, 10+1 है, 10+1, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 प्लस 10 प्लस 11, है ना? 10 और 11 कितना हुआ, 21, है ना? 21 को आप क्या कर सकते हो, 21 को क्या लिख सकते हो, 100 में अगर ऐड करो तो 120। फिर जैसे मुझे 21 का स्क्वायर करना है तो ये क्या होगा, 20+1, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 प्लस 20 प्लस 21, तो ये कितना हुआ, 41, 400 में ऐड कर दो, 441। ऐसे मुझे मान लिया 31 का स्क्वायर करना है, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कमलजीत बताए, प्लस मुझे तो पता है, मुझे क्या बता रही हो आप, करके बताओ ना कितना होगा, लिखना नहीं, ऐसे ही करो, थर्टी प्लस, हाँ 961। देखो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900, डायरेक्ट लिख दो ना, 900 प्लस 30 प्लस 31, तो ये कितना होगा, 961। अगर मुझे 41 का स्क्वायर बताना हो, मंजिंदर बताए 41 का स्क्वायर, 40 प्लस 41 81, 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600 प्लस 81, तो 1681। 2 सेकंड लगी, यस और नो? देखो अब सेम वे में आप कहीं तक भी जा सकते हो, सेम वे में आपको 100 का पेयर याद होना चाहिए। 100 का पेयर कैसे, जैसे मैं इसे यशोदा, हाँ यशोदा से मैंने पूछ लिया कि 72 में कितना जोड़े 100 हो जाएगा, 28। मैंने कहा 44 में कितना ऐड करें 100 हो जाएगा, गलत है, मैं कह रहा हूं 100 में से 37 माइनस करा तो कितना बचा, 7। अब देखो है ना गड़बड़, अब देखो एक चीज याद रखो, ये 100 का पे, अच्छा आपको आता है, 100 में से मैंने मान लिया 42 माइनस करा तो कितना बचा, 58। 100 से मैंने 63 माइनस करा तो कितना बचा, हाँ 37। 100 का ये पेयर है ना आपको आना चाहिए, जितनी भी कैलकुलेशन करोगे ना मैथ में, रीजनिंग में, सब में ये 100 का पेयर पूछता है। इसका लॉजिक क्या होता है, मैंने कहा 100 में से 44 45 माइनस करा तो जो 10th प्लेस है ना इसका तो जोड़ कितना होता है, 9।
और यूनिट डिजिट का जो जोड़ होता है वो 10। ये आ गया, बात समझ आई। जैसे मैं कहता हूं 63 में कितना ऐड करूं कि 100 हो जाए, तो देखो 37। यूनिट डिजिट का जो सम है वो 10 होगा और 10th प्लेस का जोड़ जो है 9 होगा, तो 2 सेकंड लगे। जैसे आपसे पूछा 22 में कितना ऐड करें, तो ये तो कितना होना चाहिए 9, तो यहां 7, ये कितना होना चाहिए 10, तो 8 हो गया, है ना। मैंने कहा 86 में कितना ऐड करूं, ये तो कितना होना चाहिए 9, और ये कितना होना चाहिए 10, है ना। हर चीज में लॉजिक है। अब इससे क्या है, मुझे तुरंत पता चल जाता है ना। जैसे मैंने कहा 100 में से मान लिया 52 माइनस करा, तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा 48, क्योंकि ये 9 होगा ये 10 होगा, तुरंत पता चल जाता है। तो ये पेयर है, ये पता होना चाहिए। अब ऐसे जैसे हमने 1 वाला किया है ना, ऐसे मुझे मान लिया 19 का स्क्वायर करना, 19 ये कमल जी क्या होता है 19 का स्क्वायर, 361। अब मान लिया आपको, आप में से किसी को नहीं आता है तो आप निकालोगे कैसे, नहीं आता हो सकता है। ये क्या है 20 माइनस 1 है, 20 माइनस है ना, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, है ना। ये तो है 400 माइनस, पहले जब प्लस 1 होता था तो हम क्या करते थे, दोनों नंबरों को ऐड करते थे 20 21 को, यहां क्या है माइनस है, तो अब किसको ऐड करेंगे 20 और 19, 19 और 20 कितना होगा 39, तो 39 इसमें से माइनस कर दो। अब देखो पेयर क्या होना चाहिए, 100 वाला पेयर, तो ये यहां से कैरी लिया, ये 100 से माइनस करा तो 61, यहां से एक कम हो गया, 361 नहीं रहेगा, दिमाग में कर लिया सारी चीज। अब जैसे मुझे लिखना बाद में, पहले समझू, मैंने बोला 29 का स्क्वायर, अब देखना लिखेंगे नहीं, अब दिमाग में करेंगे, इसका स्क्वायर पहले 30 का कितना होता है 900, और 30 और 29 कितना होगा 30 और 29 51, 51 में 100 का पेयर बनाना हो तो मुझे 41 होगा, है 59 ही तो बोल रहा हूं, अच्छा 59 मैं कह रहा हूं, 59 के साथ मुझे 100 का पेयर बनाना है तो 41 होगा, 41 आ गया और 9 में से एक गया 841। क्या आप पेन कॉपी की जरूरत पड़ेगी, बोलो यस मैम पड़ेगी, खुद से ट्राई करके दे दिमाग में बिना पेन कॉपी, तभी तो आपकी आदत बनेगी। अब बताओ, आप बस मुझे जेन्युइनली बताना ईमानदारी से कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ, टेक्निक से मंजिंदर हुआ भाई नहीं हुआ। आप देखो किसके नियर अबाउट है 40, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, है ना। 40 और 39 को ऐड करोगे तो कितना होगा 79, 100 से 79 माइनस कर दो तो 21, और उधर कितना था 16, एक कम कर लो तो 15 21, यस और नो, आया भाई सुन, नहीं आया। 14 का स्क्वायर कितना होगा 1600, और 40 और 39 कितना होगा 79, 100 में से 79 अगर घटाओ तो कितना बचे 21, तो 1 16 से, क्योंकि एक कैरी लिया हमने, हासिल लिया है तो एक कम हो गया, 16 था वो 15 हो गया, 15 21, ये सो नो नहीं आया अभी भी। देखो इतना घबराने की जरूरत नहीं, मैंने कल भी बताया था आप मेरे से इंटेलिजेंट हो, माननी पड़ेगी बात। 12th में कितने नंबर आपके 56 है, मेरे पता कितने 45, और फिर भी तुम इतना डर डर के बोल रहे हो, और मेरे को देख लो कितना मैं खतरनाक तरीके से बात कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है ना।
आप एकदम यू डरे डरे से बैठे रहते हो, डर के नहीं रहना है, चीजों को सीखने का मौका मिला है सीख डालो। पता नहीं जीवन में फिर दोबारा पता थोड़ा ना है। आजकल आपने देखा होगा टीचर कोई पढ़ा रहा होता है और एकदम से गड़ा। पिछले वीक की बात है, आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, ऐसा बोला और धड़ाम से गिरे, अटैक आया मन। पिछले वीक की बात है, अगर नहीं बताता है ना, आप बहुत सारी वीडियो भी देखते होंगे जिम में वर्कआउट करके आया और या वर्कआउट करते करते, कुछ भरोसा थोड़ा ना है। क्या पता आप ये सारी बातें सीखे बिना ही चले गए, फिर क्या होगा, दोबारा फिर मामला गंभीर हो जाएगा ना। सीखो अगर मौका है तो, ऐसे मत, अगर आप ऐसे रहोगे ना तो कभी ना तो जॉब अच्छे से कर पाओगे, आप सिलेक्ट ही नहीं हो पाओगे। पहली बार जब मौका है तो सीखो, है ना। और मेरे को नहीं लगता मेरे से कोई बेहतरीन टीचर मिलेगा आपको ये चीजें सिखाने वाला, ये भी बात है ना। टीचर क्या है, यूपीएससी वाले टीचर पूरे एटीट्यूड में रहते हैं, एक बैग सा लेके आएंगे, कट-कट अपना मटेरियल पढ़ाएंगे और चले जाएंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे। मैं लेकिन एक एक बच्चे को सिखाने की इच्छा रखता हूँ। आप पूछो लेकिन क्या प्रोसेस आपको समझ में आया। देखो मैं एक बार दोबारा बता, ये किसके हिंदी में बता दो, हिंदी समझते हो थोड़ी बहुत, समझते हो 40 के आसपास है, 40 से एक कम है ना। तो 40 का स्केयर हुआ 1600, दिमाग में लिखो इसको 1600, है ना, माइनस है क्योंकि कम था ये 40 से, तो फिर मैंने माइनस क्या करना है, 40 और 39 को ऐड कर लेना है ना। तो ये कितना हो गया 1600, ये दिमाग में करनी है सारी प्रोसेस, ठीक है। अब देखो ये तो 100 है ना, मेरे को यहां से कैरी लेना पड़ा यहां पे, तो कितना हो गया 15, और 100 में से 79 घटा दो 21। ये दिमाग में करना है, आपने लिख के नहीं करना है, जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तब हो जाए। जैसे एक और मैं बताता हूं आपको, करना खुद से करना भाई, 49 का मुझे स्केयर करना है, सारे करके देखो, लिखना नहीं है लिखना। बोलना भी नहीं पहले, आपका नाम क्या था, एकता, ये अंकिता, अंकिता बता कितना है, तो बता भाई। देखो आपको प्रोसेस समझ में आनी चाहिए, ये क्या नाम है कवल जी, 50 और 49 कितना हुआ 99 है ना, और ये किसके आसपास है 49 50 के, 50 का स्क्वायर कितना हुआ 2500, में से 99 माइनस करना है तो 240 आ गया, कोई भी नंबर कर लो, कर पाओगे फिर देखो आगे चलते। तो ये रोज की मैं ऐसी दो ट्रिक बता दिया, प्रैक्टिस खुद से करें फिर देखना आगे। मैंने आपको अब कुछ बातें बता दी, जैसे बहुत सारे नंबर है उनका एलसीएम लेना सीखते हैं पहले, तो जब आप टाइम एंड वर्क करोगे ना वहां पे बहुत सारे नंबरों का एलसीएम लेना आता है, या और भी कोई क्वेश्चन में, जैसे मैं कहता हूं मेरे पास नंबर है भाई 72, 90 और 120, आपने निकालना है एलसीएम और एचसीएम, एलसीएम और एचसीएम ट्राई करियो, प्रैक्टिस करोगे तभी आए। अभी ये बहुत लेंथी प्रोसेस है ना, मेरे वाला तरीका आपको कम समझ में आएगा, लेकिन समझ में आ गया ना बहुत जल्दी हो जाता है ना। आपको प्राइम नंबर पता है क्या होता है, क्या होता है बताओ, मैंने क्या पढ़ा था, मैंने ये बताया था कि द नंबर विच हैव एग्जैक्टली जरूर बोल रहे हैं एग्जैक्टली टू फैक्टर वन एंड itself, like 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 42, 43, 47, so on. 1 to 50 कितने होते हैं, 1 to 50 कितने प्राइम नंबर, या तो आप पढ़ते ही नहीं घर जाते, नहीं पढ़ते, हाँ ना कुछ तो बोलो,
तो वो तो इसे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है उससे देख लो। रुको मैं पूछ रहा हूं 1 to 50 कितने नंबर होते हैं प्राइम? 15। 1 to 20, 1 to 100, 25। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है। 1 to 200, 46। तो देखो यहां पे जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसके फैक्टर बनाओ। उसके फैक्टर कैसे बनाओगे? जैसे मेरे को जो आता है हिंदी अंग्रेजी में मैं करूं तो ये 12 9 110, 12 10 जा 12 10 जा 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 into 4, और 10 को क्या लिख सकता हूँ? 2 into 5। ये फैक्टर बन गया कि नहीं बन? और मैंने ये कहा था कि जो छोटा नंबर है बड़ा नंबर है ना उसके सारे फैक्टर लिख डालो। तो देखो ये क्या हो गया 2, फिर ये है 4 को लिख दो 2 into 2, फिर 3, फिर 5, सारे के सारे नंबर लिख दिए कि नहीं लिख दिए। और ये क्या है 120 into, अब देखो ये क्या है 9 into 10, 9 को क्या लिख दो 3 into 3, और 10 को क्या लिख दो 2 into 5। जो नंबर नहीं आया होगा वो लिखना। अब देखो इसमें 3 आ चुका है, ये रहा, क्या दूसरा 3 है इसमें कहीं? नहीं, तो ये 3 लिख दिया। 2 आ चुका है, ये रहा, 5 आ चुका है, बात समझ आई? फिर 72 को अगर आप पढ़ना चाहो तो फैक्टराइज करके 8 into 9 है ना, तो 8 क्या होता है 2 into 2 into 2, और 9 क्या होता है 3 into 3। देखो 3 times 2 है 3 times 2 है, 2 times 3 है 2 times 3 है, तो ये क्या हो गया? LCM हो गया। और यहां तक ये नंबर क्या है 120 into 3 कितना हो जाएगा 360। कितना आसानी से LCM आ जाएगा, नहीं आता? हाँ या ना? HCF क्या होता है? जो कॉमन फैक्टर है। अब देखो कॉमन क्या क्या है, यहां पे 3 एक ही टाइम है, 3 दो टाइम है यहां पे, लेकिन एक टाइम है तो एक ही 3 कॉमन आएगा। फिर यहां देखो यहां पे 2 2 2, यहां एक ही बार है, यहां पे 3 टाइम है, यहां पे 3 टाइम, यहां पे 1 टाइम है, तो इंटू 2। 5 इन दो जगह है इसमें नहीं, 3 नंबर है तो 3 में 4 है तो 4 में कॉमन होना चाहिए। तो 3 into 2 कितना है 6 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। मेरी बात समझ आई क्या? नहीं आई? ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिर आ जाएगा। एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूं, लिख लो इसको, लिख रहा हूं। टेबल बहुत जरूरी चीज है, टेबल तो याद करनी पड़ेगी। इस बार का जहां तक लगता है मुझे पेपर बहुत अच्छा आएगा सी सेट का। और ये बिल्कुल राइट टाइम है सी सेट पढ़ने का, है ना? दिसंबर एंड खत्म हो ही गया है, अब अगले 4 महीने जम के पढ़ो। देखो अब फटाफट लिख लो, लिख लिया। अब जैसे मैं एक और नंबर देता हूं आपको, मैंने कहा 36 40 45, एलसीएम बताना। मत करो ऐसे, जो आपको आती है वो चीजें छोड़ के देखो एक बार, है ना? आप यहां पढ़ने आए किस लिए? कि अच्छी चीजें सीखने की, वो तो आपने बचपन में सीख ली थी, कुछ नया सीखो। 45 को फैक्टर करके बताओ मुझे क्या होगा, आपके दिमाग में क्या आता 45 को सोचते? उसके टुकड़े करने, फैक्टर 5 into 9, तो 5 लिखो एलसीएम, नीचे एलसीएम लिखो, एलसीएम तो लिखो 5 into 9 को 3 into 3 लिख लो, है ना? फिर क्या है 40 को क्या दिमाग में आया 4 into 8, तो होता ही नहीं 8 into 5, है ना? 5 तो लिखा ही हुआ है, 8 को क्या लिख सकते हो 2 into 2 into 2, लिखो 2 into 2 into 2। फिर क्या है 36 को क्या दिमाग में आया, एक सेकंड रुको, 6 बना। आप देखो एक 2 होना चाहिए और एक 3, 2 और 3 का पेयर है, फिर एक और 2 और 3 का पेयर है, 2 तो है 3 नहीं, 2 तो लिखा हुआ है ना, फिर एक 3 और लिख लो। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ गया, एक है ना, 2 होने चाहिए, हाँ 2 बार है, एक 3 काटो
कितना है भाई? 180, 240, 360, सबका अलग लगा। देखो 2 और 3 6 2 और 3 6, तो ये 3 काटो पहले, ऐसे कर दो इसको। हाँ, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 8 है ना, इंटू 5 40, इंटू 9 360, याद हो गया सही। अब बस आपको मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए। देखो रुको रुको मैं बताता हूं, इधर ध्यान दे, मैं आपसे पूछ के करूं, आप दोनों को समझ आ गया पीछे? एलसीएम नहीं है, आप देखना मैं इससे मंजिंदर से पूछूंगा, आप ध्यान देना। बता भाई 45 को क्या करेंगे? देखना नहीं है उधर, बता किधर देखो, 45 9 5 45 होता है, तो 5 और 9 को मैं क्या लिखता हूं, 3 × 3 है ना, फिर 40 को क्या लिखेंगे, 8 × 5 5 तो है ही, 8 का कहीं नाम निशान नहीं, तो मैं 8 को डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ या फैक्टर करके लिख लू ना, उससे मुझे आसानी होती है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ आपको, लेकिन अभी नहीं पता चलेगा। 36 को क्या आएगा दिमाग, 9 × 4, ये देखो 9 है और ये 4 है, या अगर आपके दिमाग में आया 6 × 6, तो देखो ये 6 है, ये 6 है ना, सारे फैक्टर लिखे हुए हैं, बोलो भाई। तो अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करनी, मल्टीप्लाई देखो ये कितना है, 8 है ना, मैं यहाँ पे भी मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन आपको आसान ढूंढना है, 8 × 5 = 40 है और 4 × 9 = 36 है, 1 0 तो पहले की 360 हो गया। अब बताओ मुझे यस और नो, ऐसे अगर एलसीएम निकालोगे ना तो बहुत आसानी से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है? एक और बोलू, बताओ गलत है, बड़े वाले तो सारे लिखने, ये तो सारे लिखने, एलसीएम निकालो ना, मैंने ऐसे तो पूछा ही नहीं, इसलिए मैं क्या कहता हूं कि जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मैंने देखो क्या लिखा हुआ है, एलसीएम आप एचसीएम निकालो, एचसीएम तो मैं पूछ ही नहीं रहा, फिर एलसीएम लिखो ना, एलसीएम, हाँ 3 भी लिखो। अब आप देखो 2 और 2 तो आ चुके हैं, 2 और 5 लिख दो, अब देखो 2 आ गया, ये रहा 3 आ गया, 1 3 की जरूरत है, लिख दो, ये एलसीएम हो गया। मल्टीप्लाई करनी, देखो 8 × 5 = 40 निमा 36 × 360, 260 कहां से आ गया सर, कितना आया? देखो ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते थे एलसीएम, हाँ बिल्कुल सही है, खुद से किया, सच सच बता, हाँ 360 आया ना। देखो ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तभी समझ में आएगा। देखो 360 आएगा, अब मैं देखो कैसे करूंगा इसको, बता भाई मंजिंदर, 24 को दिमाग में क्या फैक्टराइज करोगे, कुछ भी बोल दो आप जो आपको समझ में आए, 12 के फैक्टर करो, 8 × 8 = 32 होते हैं, 8 × 24 है ना, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 2 × 2 2 × 3 है ना,
फिर ये क्या है 20 बता। हाँ 10 इंटू टू, टू तो ये रहा, 10 को क्या लिखूंगा 2 इंटू 5, 2 ये रहा तो एक 5 हो गया है ना। फिर क्या है 18 को 9 दुणे 18, 2 तो ये रहा, 9 का मतलब क्या है 3 इंटू 3, एक 3 तो है एक और 3 लिख दिया है ना। तो देखो 8 तिया 24, पंजे 120, 120 तिया 360, सही होगा कि नहीं, कर सकते हो ना। अब देखो एक और नंबर पूछता हूं, लिखो 96, बड़े नंबर लिख दिए अच्छी बात। एलसीएम और एचसीएम बताओ, एलसीएम और एचसीएम अपने तरीके से करना है, बड़ा नंबर है तो कैसे करोगे। बत्तीस तिया छियानवे होते हैं, 32 तिया 96 है ना, 32 × 3 और 32 क्या होता है 2 का पावर 5। ये तो मैं 2 सेकंड में लिख दूंगा, मैंने पहले रिमाइंडर थ्योरम में भी तो किया था। फिर ये क्या है 2 का पावर 4 × 3 × 11 है ना। मैं देखो कैसे करता हूं, मैं वो डिविजिबिलिटी रूल चेक करके देखता हूँ, मेरे को थोड़ा आइडिया लग जाता है। 8 × 5 = 13 में से 2 गया 11 से भाग होता है ना, 11 एक फैक्टर 11 से मैंने इसको भाग करा, 11 × 44 11 × 8 = 88 कितना बच गया 48 है, 48 के मैंने फैक्टर करे 16 × 3 = 48 2 का पावर 4 × 3 ठीक है। फिर देखो ये नंबर 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 और 2 9 में से 9 गया 0 इसका मतलब ये भी 11 से भाग होता है, ये इसका एक फैक्टर दो ये इंटू है, एक फैक्टर 11 है 11 से भाग दो 11 × 7 = 73 और 11 × 2 = 22 कितना बच गया 72, 72 क्या होता है 8 × 72 8 क्या होता है 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 ठीक है। कोई डाउट, मैंने तुरंत फैक्टर बना ली ना, आपने सब ने वो ऐसे करके देखा हूं। तो डिविजिबिलिटी रूल देखो मैंने कहां यूज कर लिया, तो वो चीजें आपने सीखनी है। अब आप देखो जब आपको एलसीएम निकालना है तो मैंने एक बात बता दो, सबसे बड़ा नंबर है ना उसके फैक्टर सारे लिख दो, तो ये हो गया 2 का पावर 3 3 का पावर 2 और 11। अब जो दूसरे नंबर में जाओगे ना जो फैक्टर नहीं आए वो लिखो, 11 आया हुआ है 3 आया हुआ है, ये 2 का पावर 3 2 का पावर 4 है तो 1 2 का कमी है तो 1 2 लिख दो है ना। फिर देखो 3 तो आया हुआ है, 2 का पावर 5 है 2 का पावर 4 तो बनता है तो 1 2 लिख दो, तो हो गया 2 का पावर 5 3 का पावर 2 और 11 क्या हो गया आपका एलसी, मल्टीप्लाई करके लिख दो ऐसे के वो आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ है जो सबसे छोटा नंबर है कॉमन है, तीनों नंबरों में होना चाहिए 2 का पावर 3 2 का पावर 4 2 का पावर 5 तो क्या कॉमन आ जाएगा 2 का पावर 3 कॉमन। फिर देखो इनटू
थ्री का पावर टू, थ्री का पावर वन, थ्री का पावर वन, थ्री आ गया। इलेवन क्या कॉमन आ सकता है इसमें? नहीं, दो जगह है, तीसरी जगह नहीं है, तो ये क्या आ गया आपका एलसीएफ? क्लियर है? कोई डाउट? चलो आगे बोलो आप, कोई दिक्कत है? अच्छा आपने पढ़े नहीं, चार पांच क्लास तो पीछे की है, मंडे टू फ्राइडे है ना, पांच थी ना पिछले वीक और एक कल थी, छह क्लास हो चुकी है हमारी, वो ऐप पे मिलेंगे, आप सर से कांटेक्ट कर लो, ठीक है? क्योंकि नंबर सिस्टम के 24 क्वेश्चन है, इसीलिए अब तक नंबर सिस्टम चल रहा है, नहीं तो ये दो क्लास में खत्म हो जाता, समझ गए? 24 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 7 क्वेश्चन उसमें किसके मिला लो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, और सी सेट में आपको पास कितने होना है, 27, दो चैप्टर पढ़ के आप सारा सी सेट क्लियर कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से आता हो, है ना? चलो आगे, एनी डाउट पूछ लेना, कोई दिक्कत होती। अब फिर मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ, मैंने आपको एक बात बताई थी, कौन सी भाई, कि किन्हीं भी दो नंबरों का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के बराबर होता है, हाँ या ना? तो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक आ रहा है कि कोई भी दो नंबर है 852 और 1491 और एचसीएफ है उनका 213, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, उन नंबरों का आपको क्या निकालना है भाई, एलसीएम। सही है, देखो इधर ध्यान दो, अब छोटी सी बात है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना तुरंत हो जाए, है ना, आपसे नहीं हो पा रहा है, उसका रीजन क्या है, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो आप, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, या तो इस बार ले लो नहीं तो अगली बार, इस बार ले लोगे तो चार एक महीने पढ़ना है, अगली इस बार फिर पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो अभी समय है। अब जैसे मैंने आपको क्या बात बताई थी, जब आपको दो नंबर दिए हो उनका एलसीएम एचसीएफ दिया हो, पीयूष क्या करेंगे, उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई और उनके एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई, है ना? यस और नो, मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, एलसीएम। अब मुझे एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ इनके नीचे आ जाए, तो यहाँ पे मुझे निकालना है एलसीएम। तो देखो दो नंबरों की मल्टीप्लाई 852 इनटू 1491 डिवाइड बाय 213। अब आपको ये कट कैंसिल नहीं करना आ रहा, काटना नहीं आ रहा, इसको कैसे करते है, है ना? कमल जीत यही फंसा कि यही बात नहीं पता थी, बोल यार ऐसे मजा नहीं, कहां दिक्कत आई, यही या काटनी? अच्छा कटने लगे सी, आप बताओ। ओ मल्टीप्लाई क्यों करना है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, टेबल अगर आती हूं 13 4 13 4 52 और 2 4 8 चार भी नंबर फट से कट जाए, है ना? फिर इधर देखो 13 7 91 और 2 7 14 तो 7 पे इधर कट से कट जाएगा, या तो 4 पे काट, या तो इधर 7 पे काट दो, या इधर 4 पे काट दो, बताओ किधर काट दो, आंसर सेम आएगा।
ये 4 पे काट दी। अब इस 4 का इससे मल्टीप्लाई करना, क्या लिख के देखना पड़ेगा मुझे? लिख के देखना पड़ेगा नहीं? तो देखो 4 into 9 कितना होता है 36, 3, फिर 4 into 4 16 और 3 19, 1, 4 into 1 और प्लस 1 5 9 6 4 विद इन 2 सेकंड आ गए। क्लियर है? ये मैंने पूरा इस पे फोकस डाला, मेरे को तुरंत पता चल गया 13 चुका 52, 2 चुके 8, ही तो 4 पे कट रहा है। फिर मैंने इधर देखा कि 13 7 91, 2 7 14, 7 पे कट रहा है। प्रैक्टिस है ना, आप इसको गुणा करोगे, पूरा गुणा करने के बाद फिर ये 2 से 13 से काटना बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी काम आती है और टेबल काम आते हैं, है ना। अब आप ये देख के चलो, हर क्वेश्चन में अलग अप्रोच मिल रही है और बहुत सरल अप्रोच है, सिंपल है, बिल्कुल एकदम कटाक से आंसर आता है। तो आपको किसकी जरूरत है? प्रैक्टिस। चलो आगे, काफी नई बातें सीख रहे हो। देखो फिर 20 तक टेबल जरूर याद कर, कोई बुराई नहीं, आईएएस बनोगे आईपीएस बनोगे फ्यूचर की बात है, लेकिन अभी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 20 तक टेबल आपको आने ही आने चाहिए, है ना। उससे ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए, कई बच्चों की ईगो हर्ट हो जाती है। मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं 20 तक टेबल क्यों याद करूं? करना पड़ता है, मजबूरी है। फिर आप देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ये क्या करता है एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जिसे आप फंस जाओ। पॉइंटो वाले नंबर का एलसीएम पूछ लेगा, 0.5, 0.75, 3.7, 3.25, इनका एलसीएम बताओ, एचसीए बताओ, है ना। अब कर ही नहीं पाओगे पॉइंट वाले नंबरों, तो एक उनका अच्छा तरीका क्या है, उनको फ्रैक्शन में बदलना, है ना, भिन्न में। जैसे 0.5 है तो 5/10 लिख दिया, 0.75 है 75/100 लिख दिया, 3.25 था तो उसको 325/100 लिख दिया। फ्रैक्शन का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना बहुत आसान होता है, मैंने दो बातें बताई है, एक एलसीएम और एक एचसीएफ, है ना। तो जब आप एलसीएम निकालोगे ना, किसका? फ्रैक्शन का, ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर अंश होता है, डिन्यूमरेटर हर होता है नीचे, है ना। तो दो बातें मैंने बताई, एलसीएम और एचसीएफ। जो ऊपर वाले नंबर है ना उनका तो लो एलसीएम, जो भी निकालना है एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लो, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ, जो निकालना होगा वो ऊपर वाले नंबर का, और जो नहीं निकालना बच गया वो नीचे वाले नंबर। बात समझ आई? तो ये क्या हो गया, ए सी ई अलग से लेना है, और ये क्या हो गया, बी डी एफ। मान लिया ये मैंने डॉट डॉट का मतलब क्या है, आगे और भी अगर आपको दे रखा है फ्रैक्शन, ठीक है सर। पीयूष देखो, एचसीएफ निकाला आपको फ्रैक्शन का, एचसीएफ ऑफ ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ एंड सो ऑन। तो आप बताओ सर, क्या नाम आपका? आर्यन, कहां से हो? हरियाणा में कहां से? अच्छा, शाबाद। तो अब देखो दो बातें मैंने आपको बताई, एक एलसीएम और एक एचसीएफ, मुझे एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का, आप बताओ मुझे क्या करेंगे? एचसीएफ लिखेंगे किसका? ए सी ई का। और फिर क्या करेंगे? एलसीएम लिखेंगे किसका? बी डी एफ का। ये हो जाएगा, क्लियर है। अब मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, फिर एक आप बता दो। जैसे एट बाई नाइन, 10/27 और 32/81, इनका एलसीएम है और इनका एचसीएफ। आप ट्राई करके देखना जरा, फिर मैं बताता हूं।
देखो भाई ध्यान देना, एलसीएम लिखेंगे किसका भाई, 8, 10 और 32 का, और नीचे एचसीएफ लिखेंगे 9, 27 और 81 का। ध्यान देना, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब मंजिंदर कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कैसे, कि देखो ये 9, 9 × 3, 9 × 9, तो सब में छोटा, सब में कॉमन क्या आ सकता है, 9 आ सकता है, ये आ गया 9, खत्म है। कैसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट सबसे बड़ा तो 9 ही है, फिर ये 9 × 3, 9 × 9, तो 9 सब में कॉमन हो गया। फिर एलसीएम लेना आपने, एलसीएम में मैंने क्या बताया कि जो बड़ा नंबर है ना उसको एज इट इज रहने दो, ये 2 का पावर 5 है, ये 2 × 5 है और ये 2 का पावर 3 है। अब देखो ये 32 तो ऐसे कैसे, ये 2 × 5 है, 2 तो आ चुका है, 5 नहीं आया, 32 पंजे देखो 5 किए 15, 150, 5 दूने 10, 160 हो गए। क्लियर, मैंने ये क्यों नहीं यूज किया, ये 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 5 में ही आ चुका है, 160 / 9। कितना टाइम लगा, कितना टाइम, 2-3 सेकंड। अब नीचे वाला देखो, इसमें एचसीएफ निकालना है तो ऊपर में क्या लिखूंगा, एक था एचसीएफ निकालना है मुझे, एचसीएफ किसका, अच्छा एचसीएफ ऊपर लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 8, 10 और 32, तो नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 9, 27 और 81। अब देखो इसको भी 2 सेकंड में करते हैं, मुझे एचसीएफ निकालना है कवल जीत, एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर, ये क्या है 2 का पावर 5, ये क्या है 2 × 5 और ये 2 का पावर 3, तो सब में कॉमन क्या रहेगा 2, क्योंकि इसमें तो एक 2 है तो 2 कॉमन आ गया। अब देखो एलसीएम निकालना है, सबसे बड़ा नंबर ले 81 एज इट इज लिया, 9 × 9 होता है, ये देखो 9 × 3, 9 आ गया, 3 आ गया, ये 9 है तो 81 आ गया। क्लियर है, कोई डाउट, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं। चलो आगे, फिर देखना, जैसे आपसे पूछ लिया जाए, लिख लो फटाफट, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पूरा फोकस कर दो, कोई चीज अगर नहीं आ रही तुरंत पूछ ले। जैसे आपसे बोला जाएगा कि फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट, या फिर बोलेगा कई जगह बोलेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, फिर कई जगह बोल देगा फाइंड 6-digit greatest number, 6-digit least number, है ना, यहां तक लिख लिया, ये नैन बताना मुझे, 6-digit least number सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या, मैं कह रहा हूं 6 अंकों की सबसे, अच्छा देखो 10 क्या है, 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, 9 के बाद 10, 10 क्या है 2-digit का स्मॉलेस्ट नंबर है, और फिर ये चलेगा 99 तक, उसके बाद कितना आता है 100, 100 कहां तक चलता है 999 तक, फिर क्या आ जाता है 1000, ये कहां तक चलता है 999, फिर कितना आएगा 10,000, ये कहां तक चलेगा 9999, फिर ये 1 lakh, और फिर ये 9999999 एंड सो ऑन। अब देखो ये तो है 2-digit smallest number और ये है 2-digit greatest number, 3-digit least number, 3-digit greatest number, 4-digit least number, 4-digit greatest number, 5-digit least number और 5-digit greatest number, 6-digit least number और 6-digit greatest number, 6 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या। क्लियर है, पूछता है कई बार, इससे ज्यादा तो नहीं पूछता है, अगर पूछ भी ले तो अब तो आपको पता है, मान लिया 8-digit greatest number पूछा तो 9 को 8 बार लिख दो, है ना, अगर 8-digit least number पूछा, 1 के सामने 7 जीरो लगा दो, है ना,
अगर मैंने पूछा सात अंकों की सबसे छोटी संख्या, पक्की बात है? ठीक है, फिर देख रहा। कुछ कीवर्ड है जहां से मुझे आइडिया आएगा कि अब मुझे इनका एलसीएम लेना चाहिए, एचसीएम लेना चाहिए, है ना। देखो समझना, पहले मेरे पास मैं कह रहा हूं हिंदी यूज करो थोड़ी सी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, ठीक है, जिसको ए बी सी से भाग करने पर शेषफल जीरो आए। ए बी सी से भाग कर, ए बी सी से भाग करने का मतलब है, देखो हम पहली वाली स्लाइड करते हैं, मेरी बात को एक बार सुनना जोर से, वही सारा सार है। अच्छा इसमें तो है ही गायब हो गया। जैसे आप पहले वाला पेज निकालो जहां मैंने वो नंबर लिखे हुए 14 और 35 14 35, है ना। ए बी सी से डिवाइड हो, यानी कि 14 और 35 से कौन डिवाइड होता है, एलसीएम, है ना। तो मैं कह रहा हूं फाइंड लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय ए बी सी लीव्स रिमाइंडर जीरो, तो उनका क्या आना चाहिए, एलसीएम। डिवाइडेड बाय ए बी सी, यानी कि ए बी सी से डिवाइड हो जाए, और एबीसी से कौन डिवाइड होगा, एलसीएम। समझ आ रही थोड़ी बहुत बात। आपका क्या नाम था, तरुण। एबीसी से डिवाइड हो, है ना, तो वो उनका मल्टीपल नहीं होगा, मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम। मेरी बात समझ आई। फिर मैं कह रहा हूं फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, दैट विल डिवाइड एक्स वाई जेड। मैं कह रहा हूं वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो एक्स वाई जेड को भाग दे। पहले वाले मैंने क्या बोला था, पहले वाले मैंने क्या बोला था, लीस्ट बताएंगे, लेकिन मैंने क्या बोला था, डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड से भाग। या मैं कह रहा हूं दैट विल डिवाइड एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को भाग करे, जो नंबर है हमारे उनको कौन भाग करता है, एचसीएम, है ना। जब ये बोलेगा ना दैट विल डिवाइड, तो आप क्या करोगे, एचसीएम लोगे। एक्स वाई जेड को भाग करे तो क्या आ जाएगा, एचसीएम, और एक्स वाई जेड से भाग तो क्या आ जाएगा, एलसीएम। कीवर्ड हो गया अब आपके पास, क्या नहीं कर पाओगे बताओ, है? हाँ, उस लाइन को जोर देंगे, एक बार पढ़ के देख लेना। मैं कह रहा हूं मैम आपको पूछ रहा हूं कि फाइंड लीस्ट नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड लीव्स रिमाइंडर जीरो, क्या करेंगे, दो बातें हैं, या तो एलसीएम या एचसीएम, एलसीएम। मैं कह रहा हूं फाइंड फोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, फोर डिजिट When divided by 10, 12, 15, 18. अब LCM ही लेना है आपकी बात। मैंने बेसिक से फोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बोल दिया, मैंने कहा डिवाइडेड बाय, है ना। ये दो कीवर्ड पकड़ लेने, लाइन को पूरा जोर लगा के पढ़ लो। अगर वो बोल रहा है डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड तो LCM, और डिवाइड दैट विल डिवाइड एक्स वाई जेड, नंबरों को अगर भाग करना हो तो एचसीएम पे, और नंबरों से अगर भाग हो तो क्या है, एलसीएम, है ना। कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल, ये वाली बात पकड़, ठीक है। तीन तरह के क्वेश्चन है, अब देखना। पहले मैं कह रहा हूं फाइंड लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड लीव्स रिमाइंडर, आर का मतलब रिमाइंडर जीरो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड,
क्लियर है? एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। अब मुझे पूछ ले वो 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, तो वो इस एलसीएम का मल्टीपल होगा, है ना, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन। क्लियर है? अगर मैं ये कह दूं इसी लाइन में कि फाइंड लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 लीव्स रिमाइंडर 0 इन ईच केस, तो आंसर क्या होगा? ये मैंने क्वेश्चन बोल दिया कि फाइंड लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 लीव्स रिमाइंडर 0 इन ईच केस, इन ईच केस क्या आंसर आएगा बताओ? थर्टी फोर से डिवाइड होता है, क्या करेंगे हम मंजिंदर, क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे आज से, एलसीएम। तो आपने क्या करना, सिंपल एलसीएम लेना किसका, 3 4 5 और 6। एलसीएम का टेक्निक क्या था, बड़ा नंबर एज इट इज लिखो, 6, फिर 6 में 5 तो आया ही तो 5 भी लिख दो, फिर 4 क्या है, 2 इंटू 2 तो एक आ गया, 1 2 और लिख दो, 3 इसके अंदर आया हुआ है, तो ये कितना हो गया 60, है ना। फिर मैं कह रहा हूं, समझ में आया ना ये बात सबको? फिर मैं दूसरी जो बात कह रहा हूं, फाइंड लीस्ट नंबर। अब एक चीज देखो, यहीं पे देखते हैं हम, मैं कह रहा हूं कि 3 4 5 6 से डिवाइड हो, और कह रहा हूं हर केस में एक रिमाइंडर आए, हर केस में एक रिमाइंडर आए। 60 क्या है, कंप्लीट डिवाइड होता है, 60 में अगर आप एक ऐड कर लो तो हर बार एक नहीं बचेगा, क्योंकि 60 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये कुछ रिमाइंडर एक्स्ट्रा बोल देना तो उसको ऐड कर लो किसमें, एलसीएम। बात सही है? तो जो एक्स्ट्रा बचेगा ना उसको पहले ही ऐड कर देना। तो देखो, फाइंड लीस्ट नंबर, फाइंड लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड लीव्स रिमाइंडर, लीव्स रिमाइंडर के इन ईच केस, के इन ईच केस। तो आप देखो, लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड का मतलब इनका एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, और क्या बचना चाहिए आप, के, तो के को इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। सही बात है? फिर देखो, मैं कह रहा हूं फाइंड लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय 3 4 5 लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस, लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस, क्या हो जाएगा, 61। बोलो, व्हेन डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय बोला मैंने, तो एलसीएम लोगे किसका भाई, 3 4 5 का, तो वो हो गया, और उसमें क्या करोगे एलसीएम में, एक ऐड कर दो, तो एलसीएम आया 60, और एक ऐड करा तो कितना हो गया, 61। क्लियर है? अगर यहां लीस्ट नंबर की जगह मैं बोल दूं फाइंड 3 डिजिट लीस्ट नंबर, तो अब वो जो भी नंबर होगा ना, इस 60 का एलसीएम है ना, 60 का सॉरी मल्टीपल प्लस 1, 60 का नेक्स्ट मल्टीपल कौन है, 120 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 120। फिर आगे अगर चलना हो तो 180 प्लस 1 181, फिर आगे चलोगे तो 241, फिर आगे चलोगे तो 301, 361, 421 एंड सो ऑन, है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन निकलेगा यहां से, एक एक बात ध्यान से सुनना, हो सकता है आपको कम समझ में आ रहा हो, जरूरी है लेकिन समझना, जैसे आपको कम समझ में आ रहा है, हर है पक्की बात है, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, पूछ रहा हूं, ये सोच रही हूँ कि आके गलत बैठ गया तो हाँ, इसी से तो आपका रिफाइनमेंट आएगा, है ना, कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फाइंड द लीस्ट नंबर, यही सवाल है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस, एंड एक और लाइन ऐड कर दी, एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 11
लीव्स रिमाइंडर चाहिए, व्हेन डिवाइडेड बाय 11 लीव्स रिमाइंडर जीरो, बोलना नहीं, सोच के देखो। मैंने अभी बता दिया, दिमाग पे जोर लगाओ बिल्कुल। है ना, अनयूज्ड दिमाग है सबका, एकदम फ्रेश ताजा ताजा। क्या खर्च कर रखा पहले, कहां करते हैं? पीयूष सर बताइए, ये सारे एज इट इज है, मैं कह रहा हूं एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 11 लीव्स रिमाइंडर जीरो। 661 हे भगवान, ये बताएगी अंकिता, इनको पता चल गया, नहीं पता चला। ये जो एलसीएम है ना, कितना एलसीएम, 60 का मल्टीपल, ये प्लस वन तो है ही, देखो इसको ऐसे लिख दो, 60n+1, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो, n की जगह 1 रखा मैंने, n की जगह 1 रखा तो कितना हो गया 61। क्या 61 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता। फिर मैंने n की जगह 2 रखा, n की जगह 2 रखोगे कितना आएगा बताओ, 121 क्या 11 से डिवाइड होता है बता, होता है 11 का स्क्वायर नहीं, तो यही तो आंसर है। फिर मैं मान लिया आगे करता तो n का वैल्यू अगर 3 रखता तो वो कितना हो जाता, 181, तो वो डिवाइड नहीं होता, तो आंसर क्या आ गया था, 120। ध्यान रखना है, कई बार ये सवाल को दूसरे तरीके से पूछ लेता है। हाँ तो वो ऑप्शन, चार ऑप्शन तो होंगे ना, चार, मैं जैसे सवाल बोलूंगा जब आपको समझ आएगा, चार ऑप्शन है आपके पास, सीधा ये बोल रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय 11 लीव्स रिमाइंडर जीरो, 11 का आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है, आता है, चारों ऑप्शनों पे रूल अप्लाई कर लो, एक ही ऑप्शन ऐसा होगा, अगर दो है तब वो प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मोस्टली टाइम एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो 11 का डिविजिबिलिटी होगा, 2 सेकंड में आ जाए, समझ आया? यस मैम, कर पाई? नेक्स्ट आप बताना, दोनों को पूरा इंटेलिजेंट बना दो, ठीक है? नहीं किए, दो नहीं रहेगी, कल तो आए थे ना, अच्छा वो दो है नहीं इसमें, तीन तो YouTube पे डली हुई है, अच्छा देख लो उनको, वो तो दो दो घंटे की, 1.5x की स्पीड पे जाओ और आधे टाइम में कवर हो जाए, लेकिन समझ में आना चाहिए, है ना, बहुत जरूरी है। देखो मेरा काफी सारा एक्सपीरियंस हो गया है इस फील्ड में, यूपीएससी में पढ़ाते हुए, और मैंने करोल बाग भी पढ़ा दिया, पढ़ा ही रहा हूँ, और अलग अलग स्टेट में जाके, कभी अब जैसे इसके बाद मैं उड़ीसा जाऊँ, ठीक है, मैं एक बार गुजरात वडोदरा गया, ग्वालियर गया, इंदौर गया, पटना गया, बहुत सारे शहरों में जाता हूँ। मेन समस्या क्या आ रही है, जो मेरे को समझ में आया कि है ना, एक तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता, मेरे को काफी सारे बच्चे बताते रहते हैं, मैं पूछता रहता हूँ, मेरे को एक बच्चे ने बताया कि जी हमें अंदर से ऐसा लगता रहता है कि नहीं नहीं जीएस पढ़नी चाहिए, जीएस पढ़नी चाहिए, जीएस पढ़नी चाहिए, ऐसा लगता रहता है, और उस चक्कर में वो सीसेट छोड़ देते हैं, है ना, कि नहीं सीसेट तो हम, और एक आपको अंदर से पता नहीं क्यों ऐसी आवाज आती रहती है कि हम तो कर लेंगे, हो जाएगा, आपको आती है कभी ऐसी? अच्छा आपको नहीं आती, और दूसरे लोग उसको आती होगी वो जिसे, और किसी को आती ऐसी आवाज की हो जाएगा कर ले, हाँ हाँ
कभी नहीं ट्राई किया है ना। और जब मैंने पहली क्लास लिया आते ही मैंने 8-10 क्वेश्चन कराए, कितने आसान क्वेश्चन थे, कितने आसान क्वेश्चन थे। आप मेरी पहली क्लास देख रहे हो, मैंने क्वेश्चन कराए हुए, उसमें पूछता है कि एक जो है ना एक को 9 बार लिख दो, ये सवाल पूछ रखा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनकी मल्टीप्लाई करो और इसके जो नंबर आएंगे ना उसका स्केयर का डिजिटल सम बताना है, 81 होता है, मुझे पता है। तो एक सेकंड वाला, अब मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ ये चीज कि एक का स्केयर है एक, एक का डिजिटल सम एक हो गया, 11 का स्केयर 121, 2 बार है 2 का स्केयर 4, अंकों का जोड़ 4 होगा, 3 बार अगर आ जाए तो ये होता है 1, 2, 3, 2, 1, तो 3 का स्केयर 9, तो इसके अंकों का जोड़ 9, तो ऐसे ही क्या था 9 बार था, तो इसके अंकों का जोड़ कितना होगा 9 का स्केयर 81, विद इन 2 सेकंड आंसर आ गया। बहुत सारी जनता इसको करती है, कमाल की बात ये है ना। जो मेरे को मेन मेन चीजें समझ में वो आई है, एक ये बहुत सारे चीज के टीचर आपको ज्ञान देते हैं कि नहीं नहीं आप फरवरी से पढ़ना, या फिर कहीं आप कोचिंग भी कर रहे होते हो तो वो भी क्या करते हैं इसको मार्च अप्रैल या दिसंबर के बाद ही शुरू करते हैं, है ना। अब जैसे मैं पढ़ाता हूँ सीसेट, काफी सारे लोग मुझे जान रहे हैं, अब मेरे पास इतने फोन आते हैं पूछो मत, हमारे यहाँ जो सीजन चल पड़ा है सीसेट का, ये अगले 4 महीने इसी में पढ़वाते हैं, जबकि आपका 26 मई को पेपर हो लेता है, उसके बाद बैच बनने शुरू हो जाते हैं, दे जीएस, उस टाइम कोई नहीं पढ़वाता, और उस टाइम पढ़वा भी लो तो बच्चे खुद ही इग्नोर करते हैं कि नहीं नहीं हम पेपर के आसपास पढ़ेंगे। अगर आप 4 घंटे जीएस पढ़ते हो, 4 घंटे के बाद आप बोर हो जाओ, पक्की बात है ना, तो 1 घंटा बैठ के फिर रीजनिंग पढ़ लो, मैथ पढ़ लो, 4 कॉम्प्रिहेंशन उठा के बैठ जाओ, तो वो सी सेट तो मनोरंजन के रूप में पढ़ा जाए ना तब भी पास हो जाता है, लेकिन उसको कोई इतना सीरियसली लेता ही नहीं, सोचते हैं कि नहीं नहीं हो जाता है, ऐसा सोचते हैं, होता नहीं, लेकिन है ना, कई ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं कि हम तो इंजीनियर हैं कर ले खत्म, कई ऐसे हैं कि हम तो डॉक्टर हैं कॉम्प्रिहेंसिव सारे खींचते हैं, जयराम जी नहीं होते हो, है ना, किसी को ऐसा लगता हो आपने क्या किया हुआ ग्रेजुएशन में बीएससी इंग्लिश मीडियम का बच्चा है कोई अपने से, ये देखो कई सारे, हाँ जैसे आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं मेरे को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है ना, आप 2019 वाले कॉम्प्रिहेंशन करके देखो, 23 वाला दिया ना, 23 वाले तो हो जाते हैं, अगर आपको टेक्निक पता है ना, कुछ एक टेक्निक होती है कॉम्प्रिहेंशन, वो 23 वाले हो गए, लेकिन 19 वाले नहीं हुए। एक बच्ची ऐसे मिली थी मुझे वहां करोलबाग में, कुरुक्षेत्र की थी, तुम्हारे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर थी, यूं कह रहे कि नहीं नहीं मैं वो तो कर लेती हूँ कॉम्प्रिहेंशन, मैं कर नहीं होगा, बोली नहीं नहीं कर लेती आई कैन, मैं कहा ठीक है क्लास में बैठो फिर। जब मैंने पढ़ाया 2019 वालों का नंबर आया, एक सिंगल नहीं हुआ, एक कदम जीरो हो गया कॉन्फिडेंस। क्लास के बाद मैं कहा मिलो, अब क्लास के बाद आई ना कांपने लगी कि मैं अब क्या करूं, मेरा तो होगा ही नहीं। मैंने उसको समझाया कि अभी तुम्हारे पास 4 महीने हैं, थोड़ा सा मैथ को भी टाइम दो, ठीक है, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड क्लास है, उनको बार बार देखो, यही इलाज हो कोई इलाज, और आपने कोई चीज शुरू कर ली तो उसको खत्म जरूर करना है, आपने सोच लिया यूपीएससी में जाना है तो जाना है, पैसे तो कहीं से भी कमा दो, पैसे तो आप चाय की दुकान खोल लो किसी मेन रोड पे, वहां पे आप देखो दिल्ली में खूब चल रहे हैं आजकल, DU में एक सुदामा चाय वाला है, उसने लॉकडाउन में लोग पास खाने के पैसे नहीं थे, उसने 2 करोड़ का फ्लैट खरीद डाला, और एक GTB नगर पे वहीं मुखर्जी नगर के पास एक इब्राहिम चाय वाला, दो की ऊपर की स्टडी बनी हुई है जो कि IIM कलकत्ता में पढ़ाई जाती है। चाय की दुकान से एक फ्लैट नहीं लिया, वो तो एक लॉकडाउन में लिया है, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने फ्लैट, और यहाँ हमें एक छोटी सी नौकरी के लिए लगे रहते कि हाँ नौकरी मिल जाए, बिजनेस कहीं से भी आ सकता है, पैसा कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जो पावर आपके पास होगी आप IPS बन जाओगे, वो सुदामा चाय वाले के पास थोड़ा ना है ना, गाड़ी में तो वो टोपी वाले पुलिस ये 4 तो आपके आगे आगे भाग रहे, अरे सर आगे मेरे जैसा खड़ा है मुझे भी धक्का मारा है, सर आ रहे हैं तो है ना, भले ही आप आके मास्टर हमारा पैर छुए, लेकिन एक बार तो पुलिस वाले करते ना पावर,
और इसी पावर के पीछे सब लगे हुए, यही लोगों को अट्रैक्ट करती है। जब जो बच्चा फ्रेशर आता है उससे आप पूछो आपको कौन सी सर्विस में जाना है, तो ज्यादातर बच्चों का जवाब क्या होता है, आईपीएस। उनको ऐसा लगता है कि आईपीएस का ज्यादा, लेकिन जो पावर होती है वो ज्यादा आईएएस के अंदर होती है ना। लेकिन वो वर्दी का, और वो आजकल रील का जमाना चल रहा है, तो आप देखते हो रील में वो एंट्री दिखाते हैं, वो ऐसे करके वो कट कट, और फिर वो तो आप थोड़ा सा यूं लगता है बस सब कम कर देंगे, है ना, मोटिवेशन आता आपके अंदर और यूं लगता है बस कल तक तो मैं पूरी लक्ष्मीकांत खींच जाऊंगा, ऐसा लगता है। होता नहीं, थोड़ी देर का होता है वो, दो पेज पढ़ोगे फिर सोचोगे नहीं नहीं चलो चाय तो पी लेते हैं एक बार। जब तक अंदर से नहीं मोटिवेट होगे ना, वो देखने से कुछ नहीं होता, वो तो थोड़ी देर का होता है। कितने मोटिवेटर हैं, आपने संदीप महेश्वरी को सुना होगा, उसने एक दिन पोस्ट डाल रखी थी कि लॉकडाउन में बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उसका सबसे बड़ा चैनल है देश में और वो बहुत तगड़ा मोटिवेटर है। नहीं, विवेक बिंद्रा वाला देखा ही, अब उसने अपनी पत्नी को पीट डाला और वो कितना तगड़ा मोटिवेटर बना घूमता है, लोगों को ज्ञान देता है, खुद का घर संभाला नहीं जा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी आप, है ना। तो थोड़ा सा आपने कोशिश करनी, प्रैक्टिस एकमात्र इलाज है। मैं ये कहता ही नहीं कभी भी कि मैं बहुत ये पढ़ा दूंगा वो पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे ना, हो गए, है ना। और जो चीज सोच ली है तो कर, अभी समय है, अभी समय है, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे से तो सारे इंटेलिजेंट हो, मैं तो मैथ का मास्टर बन रहा हूं, आपने तो पेपर क्वालिफाई करना बस। और इसमें सोचो अगर ये नंबर ऐड होते होते फिर आप पढ़ते पूरी साल, है ना। और रिसेंट में एक और रिसर्च आई है कि ज्यादा इंजीनियर आईएएस बनते जा रहे हैं, उसके भी कई सारे फैक्टर हैं कि उनका दिमाग खुला होता है, मैथ वैथ उन्होंने थ्योरम वोरम ढंग से पढ़ी होती है। जैसे बीएससी में, बीएससी की हुई किसी ने, हमने बीएससी की कहां से, कुरुक्षेत्र से और पीयू से, पता नहीं आपके सिलेबस में है कि नहीं है, तो विल्सन चाइनीज विल्सन रिमाइंडर थ्योरम होती है, एक होती है अल्लर थ्योरम, एक होती है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, सुनिए आपने, हाँ तो वहां फिर तो आपको पता ही हो, है ना। ये वहां पे आती है थ्योरम प्रूफ करनी आती है, लेकिन यहां जब हमने पढ़ा था शायद मैंने एक डायरेक्ट बताई थी फेरमेट थ्योरम बताई थी शायद आपको, है ना। फेरमेट थ्योरम से डायरेक्ट हमने सवाल निकाल दिया था कि 2 का पावर 100 अपॉन में 101 है तो रिमाइंडर 1 होता है, ऐसा बताया था ना, सीडीएस में क्वेश्चन आया था। तो वहां पे इनके जैसे सिलेबस में आयर मैथ में क्या है, वो पूरा थ्योरम सिद्ध करना है, यहां उस थ्योरम का यूज आएगा, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, चीजें वही सारी। अब देखो ये मैंने दो बातें बता दी, के कह रहा है कि फाइंड लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड का मतलब क्या है, एलसी, है ना। फिर मैं ये एक और बात कह रहा हूं, क्या कहा मैंने कि फाइंड लीस्ट नंबर, फाइंड लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 लीव्स रिमाइंडर 2, 3, 4। देखो ऐसे नहीं लिखना इसको, जो है क्या क्वेश्चन पहले सुन लो एक बार, के फाइंड लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स रिमाइंडर 2, डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 3, डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 4। समझ में आया, डिवाइडेड बाई 3 लीव्स रिमाइंडर 2, डिवाइडेड बाई 4 लीव्स रिमाइंडर 3, डिवाइडेड बाई 5 लीव्स रिमाइंडर 4। क्लियर है। अब एक खास बात जरूर मिलेगी आपको, पहले सुन लो कि इनका जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस जो कॉमन रहेगा, देखो 3 में से 2 माइनस किया 1, 4 में से 1, 5 में से 1, तो ये क्या है, कॉमन डिफरेंस जरूर होगा, कॉमन डिफरेंस, है ना। और मैंने क्या कहा है, When divided by का मतलब LCM, तो किसका LCM, 3 का 4 का और 5 का, उसमें से कॉमन डिफरेंस को माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस को माइनस कर दोगे। देखो ये तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया,
फाइंड लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स लीव्स रिमाइंडर ए डिवाइडेड बाय वाई लीव्स रिमाइंडर बी और डिवाइडेड बाय जेड लीव्स रिमाइंडर सी। तो आपने क्या करना है, ये माइनस करो डी, माइनस करोगे तो डी, माइनस करोगे तो डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे एक्स वाई जेड का और उसमें से डी को माइनस कर दोगे। सही बात। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब यही सेम सवाल थ्री से डिवाइड करा तो रिमाइंडर टू, फोर से डिवाइड करा तो रिमाइंडर थ्री, फाइव से करा तो रिमाइंडर फोर। वो लिस्ट नंबर बताना कौन सा होगा। फिफ्टी नाइन। तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे किसका, थ्री फोर फाइव का। कॉमन डिफरेंस आपने देखा कितना है भाई, वन वन वन, सब में सेम जरूर होगा ही वन। तो सिक्सटी माइनस वन, तो आंसर क्या आया, फिफ्टी नाइन। फिफ्टी नाइन को आप थ्री से डिवाइड करो, पक्की बात है दो रिमाइंडर रहेगा। फिफ्टी नाइन को आप फोर से डिवाइड करो, कंप्लीट थ्री रिमाइंडर रहेगा। 59 को आप 5 से डिवाइड करो, 4 रिमाइंडर रहेगा। ट्रिक कहाँ होगी, तो एलसीएम का मतलब तो क्या है, इनका कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल ऐसा नंबर ढूंढना हमने कि जो इन नंबरों से डिवाइड हो जाए, है ना, और इन नंबरों से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या है, ए बी सी, है ना। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं इनका डिफरेंस निकाल, डिफरेंस है ना, डिफरेंस निकाल के उसको माइनस करूंगा ना, तो वही नंबर बनेगा जो, जैसे यहाँ एक है डिफरेंस, यहाँ एक डिफरेंस है, ये 60 है, 60 में से एक माइनस करा तो यहाँ पे तो दो बचेगा, यहाँ पे दो बचेगा, फिर एक मैंने 60 में से एक माइनस करा यहाँ पे तीन बचेगा, 60 में से मैंने एक करा यहाँ चार बचेगा। वो वाली टेक्निक है, अलग अलग आया तो वो क्वेश्चन नहीं होगा, आता ही नहीं ऐसा सवाल। ये कॉमन डिफरेंस जरूर होता है, ठीक है, क्लियर। बोलूं अब सवाल, लिखो आप, सेम इसी तरह के क्वेश्चन बोलूंगा, आपने करके दिखा, मैंने टेक्निक तीन टेक्निक समझा दी, इस तरह के क्वेश्चन अब आप कर सकते हो। लिखो लिखो, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, स्पीड से करना, व्हेन डिवाइडेड बाय 36 45 63 80 लीव्स रिमाइंडर जीरो इन ईच केस। लीव्स रिमाइंडर जीरो का मतलब कंप्लीट डिवाइड हो। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 36 45 63 80 लीव्स रिमाइंडर जीरो इन ईच केस। फटाफट कर दो, क्या आएगा, 5040
क्या ठीक है इसका? आपने निकालना है एलसीएम, रिमाइंडर जीरो, एलसीएम निकालना है तो देखो एलसीएम कैसे निकालोगे, मेरे वाला तरीका निकाल के देखो। 60 80 है तो 16 into 5, 16 क्या है 2 into 2 into 2 into 2 into 5, मैंने लिख लिया ये 80 है, मैं बाद में देखूंगा। फिर एक है 9 into 7, क्या इसमें 9 कहीं है? नहीं है। 3 into 3 और 7, ठीक है। फिर देखो 9 into 5, ये 9 रहा और ये 5 रहा। फिर ये क्या है 9 into 4, ये 9 रहा और ये 4 रहा, है ना। अब देखो 8 7 56, 56 into 9 करना है, 0 तो आएगी आएगी, 56 into 9, 9 6 54 और 9 5 45, 45 450 और 56 504। देखो आ गया, क्लियर है? एनी डाउट बोलो, हो गया था? क्यों नहीं हुआ बताओ, एलसीएम ही तो लेना था। कर पाओगे? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करना भाई। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 18 लीव्स रिमाइंडर वन इन ईच केस, लीव्स रिमाइंडर वन इन ईच केस। एलसीएम में वन को ऐड कर दोगे, एलसीएम में वन को ऐड कर दोगे, एलसीएम लिया आपने पहले, एलसीएम लेना है किसका 12 16 और 18, और 1 को ऐड कर देना है। एलसीएम तो कंप्लीट डिवाइड होगा ना, आपको रिमाइंडर 1 चाहिए तो 1 को ऐड करोगे, सही बात है। तो देखो एलसीएम निकालना, ये क्या हो जाएगा 3 into 3 into 2, ये क्या हो जाएगा 4 into 4 या 8 2 into 2 into 2, और ये क्या 3 into 4, ये है तो ये आ गया 16 और 9 144, 144 प्लस 1 145। कहां बोला था, कहां बोला मैंने 18 बोला था, और मैंने फिर लिख भी दिया था। चलो आगे, कोई डाउट हो तो बोलो, कर पाओगे? नेक्स्ट लिखना बताओ कवलजीत, क्या दिक्कत रही? हो गया? अच्छा, नेक्स्ट लिखना, फाइंड लीस्ट नंबर When divided by 36, leaves remainder 25, divided by 48, leaves remainder 37, divided by 64, leaves remainder 53. ये remainder,
गलत है, गलत, गलत, ठीक, अच्छी बात। मिस्टर पीयूष, अच्छी बात। देखो ये क्या गड़बड़ कर रहा है, बताओ क्या दिक्कत है, हो गया 64, 64 क्या होता है 2 का पावर 6, है ना, मैंने 2 को 6 बार लिख लिया, 64 2 का पावर 6 होता है। फिर क्या है 48, मैंने 16 3 जा पढ़ दिया, 16 2 का पावर 4 तो ये जा 3 लिख दिया। फिर ये क्या है 36, 36 को क्या पढ़ा आपने बताओ, 6 into 6, 6 देखो 2 into 3 तो पहले ही, एक 2 into 3 चाहिए, 2 तो है, 3 और चाहिए, ये क्या था 64 था, और ये क्या हो गया 9, 64 into 9 कितना हो जाएगा, मैं टेबल पढ़ देता हूँ, 9 6 54 540, 9 4 36 540 और 36 576, और कॉमन डिफरेंस कितना है 11, कॉमन डिफरेंस को माइनस करना है, 576 से 11 माइनस करा दो कितना आ गया 565, यस और नो, एनी डाउट, क्या दिक्कत आई भाई, हो गया, चलो आगे, हो गया था, वेरी गुड। मिस्टर पीयूष क्या समस्या आई बता, और वो नहीं करना है, अब आप जब मैं करता हूं आपको देख नहीं रहा मैं कितना स्पीड से कर देता हूं और कितना अच्छा होता है, कभी मैंने गलत किया एक बार नहीं होता, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आपको उसमें कंफर्टेबल हो तो उससे कर लो, ठीक आना चाहिए आंसर, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है उससे करो, मैं तो कह ही नहीं रहा ये करो, जो तरीका आपको फिट बैठता है, ये आसान है जल्दी होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको करो, आप कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन में उलझ जाते हो ना, नहीं वो प्रैक्टिस की कमी है, मैं भी तो कर ही लेता हूं, बात समझ रहे हो, 4 क्वेश्चन और करते हैं, लिखना फटाफट, फाइंड ग्रेटेस्ट 4-digit number, फाइंड ग्रेटेस्ट 4-digit number व्हेन डिवाइडेड बाय, व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20, 35, लीव्स रिमाइंडर 0 इन ईच केस, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट 4-digit number, फाइंड ग्रेटेस्ट 4-digit number व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20, 35, लीव्स रिमाइंडर 0 इन ईच केस, स्पीड से करके दिखा दो फटाफट, फोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर
लिखने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो। सो सैड। ध्यान दो। अब ये बताओ टीचर तुम हो कि मैं धक्का कर लेते हो कि नहीं आएगा, बस जो है वो बताओ तुम्हेगा ना आंसर क्या है। दो बातें होती हैं, एक बात मेरी समझ के देखना, जब आप सुनते हो कई बार मैं बोलता हूं कि जैसे कोई भी नंबर है कि मैं एक नंबर रेंडम उठा के देखता हूँ, ठीक है, मैंने कोई भी उठा जैसे 100 है, ठीक है, 100 को मैंने 12 से डिवाइड किया तो 96 4 क्या है रिमेंडर, यस और नो। मैं कहूं विच नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 100 दैट इट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 12, क्या आएगा? गलत बोलोगे तो ठीक मैं बता दूं, बोला करो। मैं कह रहा हूं कि 100 में से क्या माइनस करें कि वो 12 से कंप्लीट डिवाइड हो। आपका ना दिमाग एकदम स्टक हो गया, काम नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? नहीं कर रहा, क्यों? कॉन्फिडेंस लो जा रहा है? और मनजिंदर बताओ क्या कर देंगे? 100 से 4 घटा दो। ये कह रहा है कि 100 में से क्या माइनस करें कि वो 12 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, यानी कि 12 का कोई ना कोई फैक्टर है, 12 का कोई फैक्टर होना चाहिए। तो 12 का टेबल पढ़ के देखो, 12 8 जा 96, तो देखो रिमाइंडर आया। जब क्या सब्सट्रैक्ट करें तो डायरेक्ट आपने क्या करना है भाई, रिमाइंडर को माइनस करना है।
अब देखो ये कंप्लीट डिवाइड होगा, सही बात है। अब मैं कह रहा हूं 100 में क्या ऐड किया जाए, व्हाट मस्ट बी एडिड टू 100 सो दैट इट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 12। क्या ऐड करें 100 में, क्या ऐड करें कि वो 12 से डिवाइड हो जाए। 12 कैसे, 12 100 में 12 ऐड करके 12 से डिवाइड हो जाता है वो, कैसी बातें कर रहे हो आप लोग। 8 होगा, 96 के बाद कौन आता है 108, तो इसमें क्या ऐड करना है 8 ऐड करना है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा ये 8 इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा, ये वाला 8 नहीं है, कभी सोचो ये है। तब जब एडिट आएगा ना, तब एक बात ध्यान रखना भाई, जब एडिट आएगा तो 12 में से आप 4 माइनस करोगे, डिवीजर से रिमाइंडर माइनस करोगे और उसको ऐड करोगे ना, तब वो नंबर आएगा। तो 100 प्लस 8 तो ये आ गया 10। अब क्या है, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। यहां पे आपके पास दो इवेंट हुई, एक में तो व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड, क्या घटाया जाए तो रिमाइंडर घटाया, और दूसरा क्या है व्हाट मस्ट बी एडिड, क्या ऐड किया जाए। तो मैंने क्या किया, किसको 12 में से मैंने 4 को माइनस किया, डिवीजर से रिमाइंडर माइनस करके फिर मैंने नंबर में ऐड, सही है। जब मैं ये इस टाइप के क्वेश्चन करूंगा ना, यहाँ पे दो बातें आएंगी, या तो माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा, आपको देखना है खुद से। अब समझना पहले ये क्वेश्चन क्या है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय मतलब एलसीएम 12 15 20 35, लीव्स रिमाइंडर 0 इन इच केस, है ना। डिवाइडेड बाय है तो इनका एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा। एलसीएम देखो, सबसे बड़े नंबर के फैक्टर लिख दिए मैंने 7 × 5, फिर मैंने अगला नंबर लिया 5 × 4 होता है तो 4 को लिख दिया मैंने 2 × 2, फिर मैंने अगला नंबर लिया 3 × 5, 5 तो ये रहा 3 को मैंने लिख दिया, फिर अगला नंबर लिया 3 × 4, देखो ये 3 रहा ये 4 रहा, ऐसे ढूंढना है। तो ये कंप्लीट एलसीएम हो गया। अब मुझे इनकी मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है, लिख के करता हूं नहीं, देखो 5 × 20 = 60, 60 × 7 = 420, टेबल अगर आपको आती हूं, ये तो सबसे छोटा नंबर हो गया, लीस्ट नंबर है जो इन सब से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 देता है। पूछा क्या इसने, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर या 5 डिजिट या 6, 4 पूछा है, तो वो जो भी नंबर है इसी का मल्टीपल है कि नहीं। तो पहले तो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढो, ये ढूंढ दिया, है ना पीयूष। अब वो जो भी नंबर है इसी का मल्टीपल है, तो इस नंबर को हम 420 से डिवाइड कर देते हैं, 2 पे जाएगा 840। अब देखो ये 9 5, ये 9 भी लेना है। अब ये एक बार और डिवाइड होगा किस पे, मैं जब डिवाइड करता हूं तो आपको भाग करने की भी टेक्निक नहीं आती, मतलब कमाल की बात है, ग्रेजुएशन कर चुके हो, है ना। एक लड़का मुझे अभी रिसेंट में दिल्ली में मिला भाई साहब, वो डिवाइड ही अलग तरीके से कर रहा था, वो डिवाइड जैसे मैंने 840 यहां लिखा वो इधर लिखता, उसका नया ही तरीका देखा। और यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस पढ़ चुका है, बागी उसको उल्टा सुल्टा कर रहा है, और मैंने उसको सिखाने की कोशिश की, अगले दिन क्लास में गया। ये भी एटीट्यूड बड़ा खराब है बच्चों में। एक बच्चा कुछ पूछ नहीं रहा, मैंने उसको थोड़ा सा बोल दिया कि पूछा करिए, क्लास के बाद आगे बकवास करने लगा और अगले दिन से क्लास में जाना शुरू कर दिया। उसका रिजल्ट क्या होगा, फेल होगा 100%, और अगले साल फिर ढूंढेगा, फिर आएगा रोता कि मैं फेल हो गया। तो जो एटीट्यूड है ना, ये थोड़े दिन के लिए गायब कर दो, पढ़ते हुए स्टूडेंट लाइफ में ना कोई इज्जत होती है ना कोई बेइज्जती, भूल जाओ सब, एकदम जीरो शून्य हो गए, पढ़ो तो चीजें सही समझ में आती है। अगर आप कहीं ना कहीं ईगो पे ले होगे बातों को कि ये क्या बात हुई हमसे टेबल पूछ रहे हैं, तो आप सीख ही नहीं पाओगे चीजें, है ना। तो अब देखो ये मेरा जो तरीका है, मैं क्या करता हूँ, बड़ा नंबर है मुझे नहीं पता था, मैं एक एक डिजिट गायब कर देता हूँ यहाँ से, जैसे मैंने 9 और यहाँ से 0 गायब करा, फिर मैं ये 3 डिजिट है इनको 42 से डिवाइड करके देखता हूँ। मैं फिर क्या करता हूँ, आइडिया लगाता हूँ कि ये 4 का 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूँ 16, ये तो 15 है, 4 से तो नहीं होगा, तो ये किससे जाना चाहिए 3 से करके देखता हूँ। 3 से मैंने करा तो 0 6 फिर 12, तो अब रिमाइंडर कितना है 9 3 3, ये रिमाइंडर हो गया। अब आप एक चीज देखना, मैंने यहां आने के बाद बताया या तो ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा,
तो अब देखो इसमें अगर आपने एक सिंगल एक ऐड कर दिया ना तो ये 5 डिजिट नंबर नहीं बन जाएगा, मुझे तो 4 डिजिट चाहिए, तो मैं इसमें ऐड नहीं कर सकता, क्या करूंगा माइनस करूंगा। माइनस करने की टेक्निक क्या है, रिमाइंडर को माइनस करना है। तो अब देखो 9999 में से रिमाइंडर माइनस करो 339, तो ये क्या हो जाएगा 9660। ये वो नंबर आ गया तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा इन सब से, और ग्रेटेस्ट नंबर है कौन सा 4 डिजिट का, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, एनी डाउट? सेम क्वेश्चन बोल दो, कर पाओगे? यस और नो, कॉन्फिडेंस तो लाओ, ना होगा तो मैं बताइए। लिखना ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 12, 18, 20, 1, 28 leaves remainder 3 in each case. Leaves remainder 3 in each case. ये उम्मीद है आपसे कि आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। क्वेश्चन समझ आया? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18, 21, 28 लीव रिमाइंडर 3 इन ईच केस। सबकी समस्या में इनके डिवाइड कर दिया और ऑलमोस्ट सारे ग्रेजुएट हो चुके हैं, कितने खतरनाक बात है कि डिवाइड नहीं करना। तो देखो आपको बोला क्या है कि ग्रेटेस्ट, मिस्टर पीयूष इधर ध्यान दीजिए, अपने खुद के तरीके याद करने की कोशिश मत कर, जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करना प्रोसीजर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय का मतलब एलसीएम, इनका 12, 18, 21 और लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। बहुत सारी जनता क्या करती है, इस 3 को एलसीएम में ऐड कर लेती है। 3 का जो यूज करना है बिल्कुल लास्ट में जाकर, बिल्कुल लास्ट में। तो पहले हमने निकालना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम किसका, इनका। 28 को मैंने लिखा 7 × 4, फिर ये क्या है 21, 7 × 3, तो 7 आया हुआ 3 और लिख लिया। फिर 18 क्या 6 × 3, 6 या 9 × 2, 2 तो ये रहा 9 में 3 और चाहिए, फिर ये क्या 3 × 4, ये है पूरा। तो ये क्या हो गया एलसीएम हो गया मेरे पास। तो ये कितना आ गया, ये 28 और ये 28 इंटू 9 करना है, 9 × 72, 9 × 18, 180 और 72, 252 हो गया, मैं कभी लिख के नहीं दिखता 252, ये एलसीएम आ गया। अब कह रहा 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ये रहा 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, है ना। जो भी नंबर होगा इसी का तो मल्टीपल होगा, जो भी नंबर होगा इसी का मल्टीपल होगा, तो इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करा 252 को, 3 पे जाएगा, 4 पे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, है ना। तो 3 पे जाएगा तो 756 हो जाएगा। ये रिमाइंडर देखो यहाँ पे 3429, अगर देखो यहां से छुपा दो और यहां से छुपा दो, 25 × 2 = 25 होते हैं, है ना, लगभग 9 पे जाएगा, करके देखते हैं, अगर 9 पे जाएगा फिर 8 पे तो पक्का जाएगा। फिर देखो 9 × 2 = 18, फिर 45 और 41 = 4, 22 9 पे चला गया। अब देखो रिमाइंडर कितना, 171, ये रिमाइंडर। ये आप जैसे करते हो वैसे ही करता, मैं जैसे करता हूं, मैंने यहां 3 डिजिट यूज करने है ना, यहां भी 3 डिजिट है, मैं तो वैसे भी आइडिया लगा लेता हूं कि ये 3 पे जाएगा लगभग। मैं इन 3 में देखो मैंने ये 1 9 छुपा दिया और एक इधर से छुपा दिया, ये 99 है, ये 25 है, 25 का टेबल पढ़ना आसान है 252 के, है ना। 25 होगा 100, 4 पे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बहुत सारे लोग 4 पे जा रखा है, तो ये किस पे जाना चाहिए, 3 पे, 3 पे मैंने करा। तो अगर 3 पे नहीं जाता फिर मैं 2 पे करके देखता, है ना। अब जैसे ये नंबर आ गए, मैंने यहां से 1 छिपा लिया, 2 गायब कर दिया, इधर से 2 गायब कर दिया, 25 का टेबल 243 तक पढ़ के देखा, 25 × 2 = 25 होते हैं आसपास जाएगा, तो मैं 9 से करके देखता हूं, है ना। अब क्या है रिमाइंडर आया, अगर मैंने इसमें 1 भी ऐड करा तो क्या हो जाएगा, 5 डिजिट नंबर हो जाएगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा, खुद से देखना है प्लस होगा या माइनस होगा।
तो अब देखो 9999 में से 171 माइनस करा, ये आ गया 8289। ये तो वो नंबर आ गया जो कंप्लीट डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। हमें क्या चाहिए, थ्री रिमाइंडर चाहिए, तो थ्री इसमें अगर ऐड कर दो तो हर बार ये नंबर तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा, थ्री इसमें ऐड कर दिया तो हर बार थ्री तो बचेगा, तो क्या आ गया 9831। एनी डाउट, कर पाओगे? बोलूं एक और क्वेश्चन, लिख लिया ये, सबको समझ आया ना? फाइंड लीस्ट फोर डिजिट नंबर। डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 10, 12 लीव्स रिमाइंडर जी। फटाफट करो भाई, टाइम कम रह गया हमारे पास, मटेरियल बहुत ज्यादा है, और मेरे ख्याल में अब कोई साल पेपर देना है ना, सबको देना है ना, बताओ ये हालत आपकी। क्लास एक भी भूल के भी मत छोड़ देना, है ना, जितनी जिसने नहीं की है ना, छह क्लास होगी ना, छह की छह क्लास पूरा रगड़ दो। नंबर सिस्टम पे तो इतना जोर लगाना है बहुत ज्यादा, यूं के यूं सवाल मिलेंगे आप, समझ गए? और अभी टाइम है तो चार महीने दो दो घंटे जरूर दो सीसेट को, रीजनिंग आपसे हो जाएगी, रीजनिंग में दिक्कत नहीं है, रीजनिंग पक्का हो जाएगी। मैथ पे फोकस करो, कॉम्प्रिहेंशन का भी मैं टेक्निक बताऊंगा, कॉम्प्रिहेंशन अलग चीजें, लेकिन सारे कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो पाएंगे आपसे, शुरुआत में कॉम्प्रिहेंशन करें ना, टाइम ही नहीं बचेगा। इस साल 2023 का पेपर दिया था आपने, कितने कॉम्प्रिहेंशन थे पता है आपको? 25 क्वेश्चन थे, 27 एक पैसेज का एक क्वेश्चन है, और कई कई ऐसे पैसेज होते हैं जिसको एक बार पढ़ने के बाद आपको पता ही नहीं चलता, उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है, और कई बार तो तीन बार पढ़ना पड़ता है, मैं बता रहा हूं। नहीं, उसका भी टेक्निक बताएंगे आपको कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपको बाद में बताएंगे सबसे लास्ट में, लेकिन जब तक है ना मैथ पे थोड़ी सी कमांड बना, थोड़ी सी बना लो, नंबर सिस्टम पे पूरा फोकस कर दो, छह की छह वीडियो बार बार देखो, और उस टाइप के क्वेश्चन करो, जैसे पीयू सर दो तीन टॉपिक की प्रैक्टिस करके आया हुआ अच्छे से, उनमें सारे सवाल निकाल, है ना, और आज देखो बिल्कुल डाउन चल रहा है, क्योंकि अपना दिमाग घुसाना चाह रहा है ना। अब देखो समझना, पहले मैं जो जो कीवर्ड बता रहा हूं ना, उन पे फोकस करो, इतना टाइम सी सेट में कोई नहीं देता है, इसीलिए बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा है, कि सब खटाखट वो करेंगे, अपना सिलेबस पूरा करेंगे और बाद यूं देखता ही नहीं कौन क्या गलती करा। देखो मैंने सबकी गलतियां पकड़ पकड़ बता दी, भाग करने में गलतियां कर रहे हैं, है ना, ज्यादातर बच्चे जैसे इससे पहले वाले केस में रिमाइंडर को आप एलसीएम में ऐड कर लेते हो, वहां गड़बड़ होती है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, सुनना, जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना, चीजों को पता लगेगा ही, सबने क्या करा, 4×9 लिख दिया, लेकिन मैंने क्या लिखा हुआ है, लीस्ट फोर डिजिट नंबर, हो जाएगा उस तरीके से, लेकिन जो टेक्निक है उससे करना, लीस्ट फोर डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 10, 12 डिवाइडेड बाय का मतलब एलसीएम, पहले तो इनका एलसीएम लेके देखो किसका, 4, 6, 8, 10, 12 तो देखो 3×4 और ये हो जाएगा 5 और ये एक 2 हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये एलसीएम, ये कितना है 120, 16×2 120 एलसीएम आ गया 120, हटा दूं इसको मैं 6। अब देखो लीस्ट फोर डिजिट नंबर, लीस्ट फोर डिजिट नंबर ये रहा, अब वो जो भी नंबर होगा इसी का तो मल्टीपल होगा, 12, 8, 96 तो सबने पढ़ लिया, मैं देखो वैसे भी दिमाग लगा सकते थे 120 का वो मल्टीपल है, 12, 8, 96 960 तो क्या है, तीन अंकों का नंबर है, फिर 12×9=108 1080 नहीं आना चाहिए, वैसे भी तो आप कर सकते थे, है ना, अगर थोड़ा टेक्निकल सोचते थे तो आपने 120 टेक्निक देखो इसकी क्या है, 120 से इसको डिवाइड करा, 8 पे जाएगा 960, 960, 960। अब देखो कितना रिमाइंडर आ गया, 40 रिमाइंडर आ गया। अब आपने अगर इसमें से 1 भी माइनस कर दिया ना,
तो थ्री डिजिट नंबर नहीं बन जाएगा, 1000 में से एक माइनस करा थ्री डिजिट नंबर हो गया। हमें पूछा क्या फोर डिजिट, मैं माइनस नहीं कर सकता। मैंने इससे पहले आपको दो बातें बताई थी, एक माइनस वाली एक प्लस वाली। जब हम प्लस करते हैं नंबर में प्लस करते हैं, है ना, नंबर में प्लस किससे किसको प्लस करते हैं, डिवीजर से किसको, रिमाइंडर को माइनस करके, डिवीजर से रिमाइंडर को माइनस करके। तो 1000 में आपने प्लस करना, किसमें से 120 में से किसको माइनस कर दो 40 को, तो 1000 प्लस 80 तो कितना आ गया 1080। कर पाओगे? पूछू मैं एक क्वेश्चन, बताओ भाई कवल जी, कर पाएंगे आप? पक्की बात है, सोच लो, प्रैक्टिस नहीं, यहां बताओ आपको समझ आएगा। मनजिंदर कर देगा भाई? पक्की, कोशिश ही तो करनी है, कोशिश करने वालों की तो हार होती नहीं कभी। चलो आगे, लिख लिया सबने, लो ये रहे क्वेश्चन। फाइंड लीस्ट फोर डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20, 35 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस, 3 इन ईच केस। फटाफट कर दो एक बार, फिर आगे चलेंगे। अब आप कमाल की बात देखो, यूपीएससी की तैयारी करो और गलती कहां कर रहे हो, डिवाइड। थर्ड क्लास का बच्चा तुरंत कर देगा इसको, आप आपके घर में कोई बच्चा हो तो उसको देख देगा, कर देगा ना? नहीं, वो जनरेशन आपसे फास्ट है। नहीं नहीं, देखो लीस्ट फोर डिजिट नंबर और क्या है, डिवाइडेड बाय 3 का एलसीएम है, हमने थोड़ी देर पहले किया तो था, आधे बच्चों को तो यही नहीं पता वही से नंबर है। एलसीएम कितना इसका 420 और फोर डिजिट लीस्ट नंबर ही कहा। अब देखो इससे डिवाइड करना, कवलजीत कर डिवाइड, करना डिवाइड, टू पे गया 840, ये ऐसे लिखा जाएगा। देखो ये जीरो और ये कितना हो गया 6 है और ये कितना हो गया 1, इससे कम बचना चाहिए, इससे कम बचा है, बिल्कुल सही डिवाइड हो गया। आगे ये डिवाइड होता ही नहीं, आपने जीरो कहां से लिख दिया और जीरो कहां बची बताओ। वैसे नहीं होता है, क्लियर है? अब देखो इसमें से अगर आपने एक भी माइनस करा ना तो ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ कर देगा, थ्री डिजिट नंबर हो जाएगा। अब मुझे ऐड करना है, ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1000 प्लस 420 माइनस 160, है ना, तो 1000 प्लस ये कितना बच गया 260 ऐड करा तो ये हो गया 1260। ये तो वो नंबर आ गया जो कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब क्या कर रहा है, लीव्स रिमाइंडर इन, लीव्स रिमाइंडर इन ईच केस, तो हम इसमें अगर 3 ऐड कर दे, माइनस नहीं करना है, पक्की बात है 3, ये तो कंप्लीट डिवाइड होता है, अगर इसमें 3 ऐड कर लो तो हर बार 3 तो बचेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1260। क्लियर है, समझ आया? कर पाओगे? फिर देखो फटाफट, समय कम बच गया हमारे पास, सारे यहीं से आते हो ना कहीं आसपास से, 10 मिनट एक्स्ट्रा बैठ सकते हो। देखो फिर अब बताओ, कुछ कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है, मतलब क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस के साथ चीजें सीखो और प्रैक्टिस करो, चीजें सीखो और अप्लाई करो। अब देखो ये मैंने 3 बातें बताई, अब मैं आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से चीजें पूछूंगा। मैं कह रहा हूं फाइंड लार्जेस्ट नंबर, 3 बातें हैं, पहली बात है फाइंड लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर
दैट विल डिवाइड एक्स वाई जेड लीव्स सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर। ठीक है, अगर ये बोल देता लीव्स रिमाइंडर जीरो तब आप एचसीएफ लिख, देखो पढ़ना ग्रेटेस्ट नंबर है, और दैट विल डिवाइड एक्स वाई जेड, जो एक्स वाई जेड को डिवाइड किए, एक्स वाई जेड को डिवाइड किए, नंबरों को डिवाइड किए, तो क्या होगा उनका फैक्टर, उनका फैक्टर कौन है एच सी, सही है, उनका फैक्टर होगा तो एच सी एफ। यहां पे मैंने लिखा सेम रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर जीरो होता तो एच सी एफ निकाल देते है ना, वो नहीं आता है, सेम रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, वो सेम रिमाइंडर पांच छह सात आठ, जब सेम रिमाइंडर होगा तो आपने एक काम करना है एच सी एफ लेना है, एच सी एफ ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस x। ठीक है, अगर दो ही नंबर है तो उनका डिफरेंस ले लो, सेम रिमाइंडर आए ना, दो ही नंबर है तो उनका डिफरेंस और उसके फैक्टर कर दो। क्वेश्चन समझ आया, ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड x y z लीव्स रिमाइंडर सेम, क्लियर है, तो आप क्या करोगे जो नंबर दे रखे उनका डिफरेंस लोगे और एक्स सिर्फ निकाल दो, यस और नो। दूसरे में कह रहा है फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड एक्स वाई जेड लीव्स रिमाइंडर के इन ईच केस। अब की बार क्या है, रिमाइंडर दिया हुआ, तो दैट विल डिवाइड एक्स वाई जेड मतलब इनका एच सी एफ, तो क्या करोगे एच सी एफ ऑफ एक्स माइनस के वाई माइनस के और जेड माइनस के, समझ आए। और ये जो मैंने दो दरवाजे लगाए ये होता है, इसका मतलब क्या है, माइनस का नंबर है तो उसको प्लस का लिखेंगे, क्लियर है, यस और नो। इनका मतलब है अगर कोई नंबर मान लिया 125 आ जा माइनस 125 तो उसको प्लस लिखेंगे, बीएससी क्यू है ना आपने तो फिर भी नहीं पता अगर माइनस का नंबर है तो मोड अगर लगा दिया तो इसका मतलब वो प्लस हो जाए, क्लियर। फिर देखो तीसरी बात, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड डिवाइड एक्स लीव्स रिमाइंडर ए डिवाइड वाई लीव्स रिमाइंडर बी डिवाइड जेड लीव्स रिमाइंडर सी, ये रिमाइंडर। ठीक है, इस तरह का मैंने लीस्ट वाला भी क्वेश्चन किया था डिवाइडेड बाई, तो आपने क्या करना है यहां पे एच सी एफ ऑफ ए एच सी एफ ऑफ एक्स माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी, क्लियर है, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी और जेड माइनस सी और उसका एच सी। यहां कॉमन डिफरेंस की जरूरत ही नहीं, कंटिन्यूटी में घटा दो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, वैसे लिखोगे तब भी उत्तर सेम नहीं आएगा। लिख लिए, लिख लो, अब मैं तीन क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बोलू ये तीनों बात लिख ली, समझ में आई है, सेम अगर रिमाइंडर लिखा है और दैट विल डिवाइड है तो आपस में माइनस करो एच सी निकाल दो, अगर कोई रिमाइंडर दे रखा है और दैट विल डिवाइड दे रखा ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो वो नंबर माइनस करो और फिर एचसीएफ निकाल दो। तीसरा क्या है कि दैट विल डिवाइड कोई नंबर दे रखा और उनके नीचे और नंबर दे रखे हैं तो वो नंबर माइनस करो और उनका एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है ना, फैक्टर बनाओ जो कॉमन आता वो लिखो, यस और नो। Thank you.
स्पीड से कर दो एक बार। टेक्निक आपको पता है, हाँ देखो ये रही बात है। यहां लिखो पहले HCA को, मोड का मतलब क्या बता रहा हूं। ये मैंने टेक्निक तो आपको बता दी थी, क्या था ग्रेटेस्ट नंबर है दैट विल डिवाइड, इसका मतलब क्या होगा HCF ऑफ 152 माइनस 270 जो कि 125 होता है, तो HCF ऑफ फिर है 270 माइनस 427 तो ये क्या आ जाएगा, हाँ 150, फिर ये हो जाएगा 427 माइनस 152 ये हो जाएगा 275। अगर यहां तक तो लगभग ने निकाल दिया, अगर इनको ध्यान से देखो ना 25 का टेबल नजर आ रहा है सबको, 25 का टेबल आ रहा है ना, तो देखो मैं इसको देखू तो 25 × 5, इसको देखू तो 25 × 6, इसको देखू तो 25 का भाग दे लो उसमें 11, तो सब में क्या कॉमन आ गया भाई 25, तो 25। अब देखो 5 6 और 11 में कुछ कॉमन आता है नहीं, तो एलसीएम ना एचसीएफ कितना आ गया 25, जो कि आंसर है आपका। बोलो कर पाओगे, पक्की बात है नहीं होगा, लिखना अगला सवाल। फटाफट बता दो, समय का अभाव आ गया थोड़ा सा। HCF निकालना है जो कि फिफ्थ क्लास में आता है, निकाल के दिखा दो, चैलेंज है। देखो HCF निकालने के दो तरीके हैं, एक डिवीजन मेथड और एक फैक्टर मेथड। डिवीजन यानी कि बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करोगे तो काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, डिवाइड में वैसे ही समस्या है। मेरे पास एक आसान तरीका, जब HCF निकाल लो ना जो छोटा नंबर है उसके फैक्टर बना लो। छोटा नंबर कौन है 767, यानी कि यूं देख लो किससे डिवाइड होता है, प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है ना, डिविजिबिलिटी रूल काम आएंगे। 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा है ना, 5 से भी नहीं हो रहा, फिर 7 का टेबल पढ़ दो फटाफट, 7 नहीं हो रहा, 11 का भी नहीं हो रहा, 13 से हो रहा है 13, तो 13 का अगर टेबल पढ़ोगे 13, तो इसके दो फैक्टर बन गए, एक तो 13 और एक 59। ये जो नंबर है ना या तो 13 से डिवाइड होता है 59 से, 100% बात, अगर नहीं हो रहा तो एक उत्तर पक्का होगा। मैंने 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बता रहा कि तीन नंबर इकट्ठे रख दे, तीन नंबर 773 में से दो माइनस कर दो, 771 13 से भाग करके देखो, 13×5 65, 12 नहीं हो रहा 13 से, 100% 69 से
है ना, तो 2773 को अगर आप 59 से डिवाइड करोगे ना तो 47 पे डिवाइड होगा, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 47 into 59। तो अब देखो क्या कॉमन आया भाई, 59, जो कि आपका आंसर है ना। टेक्निक हो, अदरवाइज आपसे होता ही बहुत समय लग जाता, कोई डाउट? अब देखो बहुत आसान नहीं लग रहा हूं, हाँ छोटे वाले के फैक्टर निकाल लो, है ना, वो बड़े में जरूर मिलेंगे कोई ना कोई फैक्टर, आसान हो जाएगा। एलसीएम में मैंने क्या बताया, बड़े नंबर के फैक्टर लिख लो, एचसीएफ में छोटे नंबर के फैक्टर लिख लो। चलो आगे, एचसीएफ होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे दो नंबर लेते हैं कोई, जैसे मैंने लिया 45 और 54, है ना, मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। एक तरीका तो देखो ये हुआ कि 45 को 45 से डिवाइड करो, एक पे जाएगा तो कितना बच गया 9, इसको फिर इधर लिखना होता है, 5 पे कट गया पूरा पूरा, तो ये 9 एचसीएफ आ गया, है ना। दूसरा तरीका मैं क्या बता रहा हूं, जो छोटा नंबर है ना उसके फैक्टर लिख लो, 9 × 5 = 45 होता है, 9 × 5, ये जो नंबर है ना या तो 9 से भाग होता है या 5 से तो नहीं हो रहा, 9 से होता है, 9 × 6, तो क्या एचसीएफ आ गया 9। बात समझ आई? एक और सवाल है, बोलो, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड वन फोर्टी एट लीव्स रिमाइंडर 4, 246 लीव्स रिमाइंडर 6 और 632 लीव्स रिमाइंडर 8 लीव्स रिमाइंडर, ये रिमाइंडर। मंजिंदर क्या कर रहे हैं भाई इसमें, हाँ माइनस कर दो, तो एचसीएफ ऑफ, अब मैं बता देता हूं समय कम रहेगा, 148 - 4 फिर 240 - 6 फिर भाई 632 - 8 सही है, तो ये बच जाएगा एचसीएफ ऑफ 644 अगर आप इन पे ज्यादा फोकस डालो ना तो 12 के मल्टीपल नजर आते हैं, और ज्यादा डालोगे तो 24 के भी आ जाएंगे, और ज्यादा डालोगे तो 48 के, 12 से आराम से हो सकता है, 12 के मल्टीपल सबको नजर आ रहे हैं। यस मैम आपको आ रहे हैं, 12 का टेबल आते हैं, अच्छा तो ये जो नंबर है आप बताओ क्या होगा, 12 मैंने बोला था स्क्वायर क्यूब याद करके आ, मंजिंदर बताओ किसका, 12 का, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 12 × 12, है ना। अब देखो ये 12 का ये भी मल्टीपल होगा, तो 12 × 12 = 24, 20 नहीं होगा, फिर ये भी तो 12 से बात करो, 12 × 5 = 60, 12 × 24, 12 तो सब में कॉमन आ गया, अब जो बचे हुए नंबर है ना उनको भी देखना है, 12 तो आ गया। अब देखो ये क्या है 3 × 4, ये क्या है 4 × 5 और ये क्या है 4 × 13, तो 4 भी कॉमन आया है यहां से, ये बात भी ध्यान रखना, 4। अब 3, 5 और 13 में तो कुछ कॉमन नहीं, 12 × 4 कितना होता है 48 आपका आंसर होगा। समझ आया, कोई डाउट? एक और सवाल लिखो, क्या होते एक आएगा फिर तो, अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार आता है एग्जाम में, खूब आया,
ठीक है, वो थोड़ी सी गड़बड़ करता है, लिखना। यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, द इंटीजर 34041 एंड 32506, ये दो इंटीजर है। द इंटीजर 34041 एंड 32506 व्हेन डिवाइडेड बाय ए थ्री डिजिट नंबर, व्हेन डिवाइडेड बाय ए थ्री डिजिट नंबर n बड़ा कैपिटल n लीव्स सेम रिमाइंडर, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ n? ये ऑप्शन लिख दिया मैंने कि व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ n। ऑप्शन है 289, 307, 317 और 319। क्या होगा बता सकते हो? कोई आइडिया बता। हाँ देखो यहां पे, देखो अगर ध्यान से पढ़ोगे क्या बोला, लीव्स सेम रिमाइंडर और डिवाइडेड बाय ए थ्री डिजिट n, कि कोई तीन अंकों की संख्या n से इनको भाग करना है, तीन अंकों की संख्या n से डिवाइड करोगे तो वो इनका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, और फैक्टर में क्या करना था, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF है, और HCF में मैंने देखो अभी दो एक बात बताई, और पीछे जाओ देखो ये रही, सेम रिमाइंडर में क्या था, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, लेकिन यहां तो समस्या क्या है, समस्या क्या है यहाँ पे, ये दो ही नंबर है, जब दो ही नंबर है तो x माइनस वाई कर दो, x माइनस वाई करा आपने तो ये आ गया 5351, ये तो चार डिजिट का नंबर आ गया, फैक्टर कर दो इसकी, फैक्टर कर दो 1535 के फैक्टर करोगे, 5 से डिवाइड हो रहा है 307, ये आ गया। ठीक है, अब देखो कई बार क्या पूछता है कि व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर, सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर कितना आ जाते हैं, ये मेरी बात समझ आई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दो स्टार लगा दो इस क्वेश्चन, कौन सा? हाँ HCF निकाल के देखो, निकल जाएगा। होगा ही नहीं आपसे, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे यहां पूछा था कि वैल्यू ऑफ n है ना, यहां पे वो पूछता है व्हाट इज द सम ऑफ दैट थ्री डिजिट नंबर, इसने बोला कि द इंटीजर, ये दो इंटीजर है, डिवाइडेड बाय थ्री डिजिट नंबर n, ठीक है, डिवाइडेड बाय थ्री डिजिट नंबर कोई भी थ्री डिजिट नंबर, व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर, कि जो थ्री डिजिट का नंबर है ना उसका सम कितना होगा, डिफरेंस लेना है और फैक्टर बनाना, बस इतनी सी बात, कर पाओगे? मिस्टर पीयूष क्या आप समझ पाए? पहली लाइन पढ़ के देखो एक बार फटाफट, क्या समझ में आया? हाँ अकेला आएगा ही, अकेला अगर पूछा है तो वो जैसे फोर डिजिट नंबर आया, हाँ क्यों नहीं हो गया? हाँ माइनस कर दिया मैंने, 25 और 10 है, इनका माइनस करा 15, अब इसके फैक्टर भी बनाने, हाँ देखो आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ आ पा रहा है ये कह रहा है कि ये दो इंटीजर, इनको एक थ्री डिजिट नंबर से डिवाइड, और सेम रिमाइंडर, हमें वो थ्री डिजिट नंबर ढूंढना,
वो थ्री डिजिट नंबर कौन होगा, इंटेंसिव होगा कि नहीं, है ना। और उसमें मैंने एक बात बता दी आपको कि अगर सेम रिमाइंडर वाली बात आएगी ना तो वो आपस में माइनस करके एचसीएफ निकाल दो, है ना। अगर वो मान लिया दो ही नंबर है तो उनका डिफरेंस ले लो, दो नंबर से ज्यादा हुए तभी तो मैं एचसीएफ निकाल पाऊंगा, दो ही नंबर है तो उनका डिफरेंस लो, वो खुद ही एचसीएफ हो जाएगा, उसके फैक्टर बढ़ाने। हाँ, तो उसके जब फैक्टर बढ़ाओगे ना, उस फैक्टर में थ्री डिजिट नंबर होता है, कभी भी डायरेक्ट एलसी एक आध सवाल में मिल सकता है आप, जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तभी पता चलती है ऐसी बातें। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में तो डायरेक्ट डिफरेंस थ्री डिजिट नंबर हो, लेकिन मोस्टली में क्या है वो फोर या फाइव डिजिट नंबर होता है, जब उसके फैक्टर बढ़ाओगे ना तब आपको थ्री डिजिट नंबर मिलेगा। मेरी बात समझ आई? डिफरेंस लो और क्या करो, उसका फैक्टर बना, वही आंसर। नहीं वो नहीं, वो 1535 जैसे मान लिया फोर डिजिट बोल देता, व्हेन डिवाइडेड बाय फोर डिजिट नंबर लेफ्ट सेम रिमाइंडर, है ना। तो आप क्या करोगे, 1535 आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो कुछ एक क्वेश्चन करके देखते हैं। बोर तो नहीं हुए ना, मजा आ रहा सीखने, नई चीजें बहुत सारी सिखाते हैं। अभी तो यू समझो एक घंटा और लगे तब जाके मैं आपको कुछ सिखा पाऊं, कुछ चीजें और बची, जैसे नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर। फैक्टर को हम डिवीजर बोलते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं, फिर मैं आपको जो इस साल पेपर में आया है एग्जाम का क्वेश्चन वो बताऊंगा, आप देखना एक बार। जैसे चलो आगे, मैं कह रहा हूं एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 60, देयर एलसीएम इज 1920, वन नंबर इज 128, फाइंड अ सेकंड नंबर। फटाफट बताओ, आपको पता है ए इंटू बी बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा कि नहीं होगा। आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 1920 अपॉन में 120, है ना। 16 से अगर टेबल आता तो तुरंत कर दोगे आप, 8 पे जाएगा, 8 से काट दिया 240, तो कितना आंसर आ गया 240। काटने में गड़बड़ है, टेबल बार बार रिलाइज होगा आपको, टेबल याद होनी चाहिए। एनी डाउट पीयूष सर, बोलो। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है, मैं ऑप्शन से करूं इसको, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12 एंड देयर डिफरेंस ए माइनस बी इज 12, व्हाट कैन बी द टू नंबर, व्हाट कैन बी द टू नंबर। ये ऑप्शन भी लिख दिया मैंने, मैंने पूरा क्वेश्चन विद ऑप्शन लिखा है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज 12, व्हाट कैन बी द टू नंबर। तो कुछ भी नहीं करना, आप सीधा ऑप्शन पे जाओ। अब देखो एचसीएफ 12 है तो वो नंबर क्या होंगे, 12 के मल्टीपल होंगे, और 12 के मल्टीपल और उनमें डिफरेंस कितना है, 12 है। तो देखो ये दोनों नंबर क्या 12 से डिवाइड हो रहे, नहीं। क्या डिवाइड हो रही, नहीं। क्या डिवाइड हो रही, नहीं। उत्तर ही बच गया। तो जो मैं बात बताता था ना आपको, वो तीन चार बातें मैंने बता दी, उससे डायरेक्ट सवाल हो रहा है कि नहीं। अब देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें 12 का डिफरेंस है और 12 से डिवाइड भी हो रहा है।
हाँ नहीं क्यों नहीं हो रहा, हो रहा है। देखो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मैंने सपोज करा पहला नंबर जो है 12x, दूसरा नंबर जो है 12y, और यहां उनका डिफरेंस दे रखा है, तो 12x into 12y equal to 12, तो x minus y, 12 कॉमन लिया equal to 12, तो x minus y बराबर, तो हमें x और y की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिनका डिफरेंस एक हो, तो वो वैल्यू क्या हो सकती है, 9 और 8, 8 और 7, है ना, 7 और 6, फिर 6 और 5, ऐसी बहुत सारी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हमें ऑप्शन में जाना है, अब देखो वो वैल्यू क्या होगी, 12 के साथ याद रखो, 12 नंबर 108, 12 8 96, वो ये फैक्टर हो सकते हैं, फिर यहाँ पे जाओ 12 8 96, 12 7 84, ये फैक्टर हो सकते हैं, फिर यहाँ पे जाओ 12 7 84, 12 6 72, ये फैक्टर हो सकते हैं, सो वो ऑप्शन से पता लग जाएगा, क्लियर है। अब देखो एक तो इतना बड़ा करोगे और एक सीधा 12 के मल्टीपल ढूंढो, उत्तर 12 ढूंढो, आ गया उत्तर, क्लियर है। फिर जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, ये कह रहा है कि HCF ऑफ टू नंबर, HCF ऑफ टू नंबर इज 7, देयर LCM इज 140, इफ नंबर्स लाई बिटवीन 20 एंड 45, फाइंड सम ऑफ नंबर। हाँ देखो HCF ऑफ टू नंबर इज 7, देयर LCM इज 140, ठीक है, इफ नंबर लाई बिटवीन 20 एंड 45, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, ठीक है। दो टेक्निक है, एक आसान दूसरी बहुत ज्यादा मुश्किल बातें मैं पढ़ाता नहीं, बताओ कौन सा होता, दोनों बेसिक कंसेप्ट क्या होना चाहिए। मैंने आपको ये बताया कि जब HCF दे रखा नंबर नहीं दे रखा, तो आप हमेशा सपोज करोगे तो वो नंबर किसके मल्टीपल होंगे, 7 के। तो यहां देखो पहला नंबर जो है 7x, दूसरा नंबर क्या है 7y, अब दोनों नंबर है LCM HCF है, तो मैंने एक और बात बताई कि नंबरों का मल्टीप्लाई उनके LCM HCF की मल्टीप्लाई के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 7x into 7y बराबर 7 into 140, 7 कैंसिल हो गया, 7 से ये कितना आ गया 20, तो x into y बराबर 20, x और y के ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका मल्टीप्लाई क्या हो 20। लेकिन एक खास बात है यहाँ पे कि x और y है ना ऐसा को प्राइम होनी चाहिए, को प्राइम का मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। देखो पेयर कौन से हो सकते हैं, 1 into 20, फिर 2 into 10, 2 into 10 तो नहीं होगा क्योंकि यहां से 2 कॉमन आ रहा है ना, फिर क्या हो सकता है 4 into 5, इसके बाद कोई होगा ही, 4 के बाद इधर 5 आ, फिर 10, फिर 20। तो अब देखो दो पेयर है मेरे पास, या तो पेयर ये वाला पेयर है ना, या फिर ये वाला पेयर। अब मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे इस वाली लाइन से पता चलेगा कि नंबर लाई बिटवीन 20 एंड 45। तो देखो 1 का और 20 का वैल्यू मैं कहां रखूंगा, x और y, यहां आपने 1 रखा तो ये 7 आ गया, और यहां आपने 20 रखा तो 140 आ गया, 7 और 140 नंबर आए, लेकिन मुझे बोला क्या गया है कि नंबर लाई बिटवीन 20 एंड 45, इसका मतलब गलत हो गया, तो ये वाली बात भी मैं नहीं कर सकता। फिर मैं 4 और 5 का वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे 4 रखा मैंने यहाँ पे 28, 5 रखा मैंने यहाँ पे 35। आप मुझे बताओ मंजिंदर जी, क्या ये इनके बीच में ये नंबर आएगी, या आए इसका मतलब सही है, पूछा क्या है सम ऑफ नंबर, तो सम ऑफ नंबर कितना हो जाएगा 63, तो 63 क्या हो जाएगा आपका आंसर, इंपोर्टेंट सवाल। किसके, हाँ इनमें से
वो हो सकता है। देखो इनके बीच में सात के मल्टीपल ढूंढ लो, सात चौक 28, सात पंजे 35, सात छिक 42, बस यही हुए 21 भी हो गया। अब इनमें कैसे पता चलेगा मुझे कौन से है? फिर उनका एलसीएम ढूंढना पड़ेगा, है ना, हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, हो जाएगा, मैं कर सकता हूं। देखो ये कह रहा है को प्राइम नंबर कौन से थे जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो, यानी कि इनका एचसीएफ एक हो। यहां आने के बाद है ना, तो ये पेयर लोगे, ये जो पेयर बनाओगे उसमें को प्राइम नंबर लेना। जैसे 2 और 10 में 2 कॉमन आ रहा है तो ये बड़ा पेयर बना, हमेशा याद, क्लियर है। अब जैसे अगर मुझे डायरेक्ट करना होता तो देखो इसका आसान तरीका क्या है, 100 एलसीएम को एचसीएफ से भाग कर दो, 20 इसके पेयर बना को प्राइम पेयर, 1 × 20 फिर 2 × 10 ये तो नहीं होगा, फिर 4 × 5 फिर 7 से भाग कर देना। वो जो नंबर होंगे वो कौन होते हैं, नंबर नंबर कौन होते हैं, 4 × 5 7 के मल्टीपल होते हैं। अब देखो यहां से मैं नंबर बनाऊं तो 7 और 140, यहां से नंबर बनाऊंगा तो 28 और 35, तो ये आगे डायरेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलो आगे, मैंने बोला एक और सवाल इसी तरह का सेम सवाल है, लिख लिया, समझ आया मिस्टर तरुण, समझ आया, कम समझ आया होगा। देखो एक और क्वेश्चन आपने करके दिखाना है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 496, देयर एचसीएफ इज 5, सम ऑफ द नंबर इज 100, फाइंड द डिफरेंस ऑफ नंबर। नहीं हो रहा क्या, एलसीएम एक्सेप्ट होगा, वही पॉइंट होगा, तो आपने तो उत्तर भी निकाल दिया होगा, तो बताओ। अगर यू सिक्स है ना, देखो मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई कि एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड होता है, अगर एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड नहीं होता तो उत्तर आएगा कांट बी डिटरमाइन, तो इस क्वेश्चन का उत्तर है कांट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता, है ना। छोटी छोटी बेसिक चीजें सीखने की बहुत जरूरत है आपको। फिर देखो अब ये सवाल ज्ञात किया जा सकता है, मैंने एक नंबर बदल दिया, अब बताओ उत्तर क्या होगा, दोबारा लिखना इसको, क्वेश्चन को दोबारा लिखना, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 495, देयर एचसीएफ इज 5, सम ऑफ द नंबर इज 100, फाइंड द डिफरेंस ऑफ नंबर, विद इन 2 और 3 सेकंड आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट कर दो।
हे भगवान, हे प्रभु, प्रकट हो जाओ, आपको बहुत अत्याचार हो चुका है। देखो मैंने दो तरीके बताए, एक तो बेसिक, एक सिंपल। बेसिक से अगर करना हो, पहला नंबर क्या होगा 5x, दूसरा नंबर क्या होगा 5y। दो नंबर है, एलसीएम एचसीएफ है, तो पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर है 5 × 495। 5 से 5 कैंसिल, ये 99। एक्स इंटू वाई बराबर है 99। एक्स और वाई क्या होंगे भाई, को प्राइम होंगे, ये बात ध्यान रखना, को प्राइम होंगे। 1 × 99, ये तो पहले ही लिख दिया करो एक वाला तो। फिर एक के बाद ये 3 से डिवाइड होता है, 3 × 33, ये तो हम लेंगे ही नहीं, काटा लगा दो। फिर 3 के बाद सीधा 9 से भाग होता है, 9 × 11। अब देखो वो नंबर बनाने हमने, हम यहाँ वैल्यू रखते हैं किसकी, 1 और 99। 1 और 99 की वैल्यू रखोगे तो वो नंबर क्या आएंगे, 5 और 495, तो इनका सम कितना है 500, लेकिन यहाँ कितना है 100, गड़बड़ होगी। फिर दूसरा क्या हो सकता है, 9 और 11 का मल्टीप्लाई करो, 55 और 45, इन दोनों का जोड़ कितना है 100, ये बोला है 100, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू है 9 और 11 लेनी, × 5 और × 5, है ना। अब इनका डिफरेंस बताना, डिफरेंस कितना है, खत्म, या फिर डायरेक्ट आप वो करते, हाँ अच्छा, हाँ तो हो रहा, उससे कम मना कर रहा हूँ। हाँ 95 कहाँ से आ गया, किससे गुणा करनी है, ये 99 की 5 से करोगे, अच्छा प्लस वाले से कह रहे हो, ये वाला टेक्निक समझ नहीं आपको, ये आ गया। देखो आप कह रहे हो मैंने ये वाली टेक्निक लगाई कि सम ऑफ द नंबर, तो वो हो गया 5x + 5y बराबर है कितना है 100, तो 5 कॉमन लिया, x + y बराबर है 20, x + y कितना हो गया, ये 100 था, 20 रह गया, 20। तो देखो 1 + 19, 2 = 18, 3 + 17, फिर 4 नहीं होगा, 4 = 16, 5 + 1 = 19, 3 + 17 = 4 = 16, फिर 5 = 15 भी नहीं होगा, 6 = 14 भी नहीं होगा, फिर 7 = 13 है ना, और 8 भी नहीं होगा, फिर 9 और 11, 5 पेर बन गए। अब इनकी वैल्यू रखो, यहाँ पे वैल्यू रखोगे, ये 5 और 95 का जोड़ 100 है, फिर टी उसमें जोड़ तो सबका 100 आएगा, इससे दो, इससे सबका जोड़ 100 आएगा, क्योंकि ये तो हमने किया ही उससे है, ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि वो नंबर ढूंढ के, वो नंबर ढूंढे, मैंने यहाँ 5 और 95 लिया, 5 और 95, इनका एलसीएम कितना है, 495 आना चाहिए, ठीक है। फिर आप लोग 3, 15 और 85, इनका एलसीएम देखना पड़ेगा। फिर वो जो नंबर है आगे 7 और 13 कितना हो गया, 35 और 13 = 65, 35 और 65 का एलसीएम देखना पड़ेगा। फिर 9 और 11 वाले आ गया 45 और 55 का एलसीएम देखना पड़ेगा, उनके एलसीएम निकालने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा लंबा हो जाए, इससे तो सीधा हो गया, बात समझ आई, हो जाएगा उससे भी कोई बड़ी बात, लेकिन टाइम लगेगा, कर पाओगे देखो फिर, क्योंकि उसमें है ना 3 कॉमन आ रहा है ना, अगर वो 3 कॉमन आ रहा है तो वो दो बार नहीं आ गया 3, दोनों टाइम एलसीएम में, या एचसीएफ जब लोगे, जब एचसीएफ लेते हो तो वो कॉमन फैक्टर होता है, और वो कॉमन तो यार ये 3 इधर भी आ गई, इधर भी आ गया, तो वो कॉमन फैक्टर तो हुआ ही नहीं, 3 दो टाइम आ गया। एचसीएफ जब मैं लेता हूं तो वो जो कॉमन है वो तो पहले ही निकाल लेता हूँ, या तो एचसीएफ दिया हुआ 5, तो इसका मतलब अगर ये वाला फैक्टर लिया मैंने तो इसमें तो जो एचसीएफ है वो 15 हो जाएगा, तो वो तो सवाल गलत हो गया हमारा, इसलिए हम क्या लेते हैं, को प्राइम नंबर, सही है, कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
अभी यही चैप्टर बच गया है, इसमें तो क्वेश्चन बच गए जैसे 5 घंटे या 1 घंटे में इतने इतने अंतराल पर बचती है, 1 घंटे कितने बचेंगे, या एक रूम है इसमें टाइलें बिछानी स्क्वायर टाइप की टाइलें, ठीक है, या फिर ये पूछता है कि रेड लाइट इतने इतने टाइम के बाद ग्रीन से रेड होती है, रेड से ग्रीन होती है, इस टाइप का रेड लाइट टाइप का सवाल तो जाते हैं इसमें, तो इसको हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चार सौ पिचानवे को 5 से डिवाइड कर दो, 99 आएगा, तो इसके फैक्टर बना दो, 1 × 99 3 × 33 ये तो नहीं हो सकता, और 9 × 11 ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां एच से बदल जाएगा, कॉमन को प्राइम होना चाहिए। अब मैं यहां से अगर नंबर बनाना चाहूं तो 5 और 495 बनेंगे, यहां से अगर नंबर बनाना चाहूं तो 45 और 55 बनेंगे। इसमें सवाल में दे रखा है कि नंबरों का जोड़ जो है 100 है, तो यहां तो 500 है नंबरों का जोड़, तो ये भी नहीं होगा फैक्टर, तो ये आ गया नंबर, इनका जोड़ कितना है 100, डिफरेंस कितना है 10, तो 10 उत्तर आ गया, सही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये जो बची हुई बातें ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन 2023 में आया हुआ, हर साल एक आता है, अच्छे बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, उसके बाद तुरंत बाद हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज यू समझ लेना, आगे जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर है सबका बेस है, कल जरूर प्रेजेंट होना। काफी आज के लिए, थैंक यू।